दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और स्पेसिफिकली इस आईटी वाले युग में सृजन का खुद के लिए चयन करना इतना आसान नहीं है, और ये सब यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। क्योंकि जब आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट आपका काम बन जाती है तो वो काम नहीं रहता, वो धीरे धीरे मोहब्बत हो जाती है और वही आपकी हौसला अफजाई करते रहती है। और ऐसे बहुत सारे बुलंद हौसले में से पीछे देख रहा हूँ, तो आपके लिए तालियां। एक एक छोटा सा शेर मुझे याद आता है कि सर एक बार फिर जिंदगी भर जिंदगी से डरते रहे लोग दफ्तरों में काम करते रहे, जिंदगी भर जिंदगी से डरते रहे लोग दफ्तरों में काम करते रहे, ऐसा एक शेर था। सो यही होता है, थैंक यू सो मच। लेकिन जब हम ये चयन करते हैं तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे कलाकार इस मुंबई में हैं, और मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ, मैं आपको भी बहुत लकी समझता हूँ कि आज हमारे साथ चिन्मय मांडलेकर जी हैं, एक ऐसे ही कलाकार जो हमारे साथ आज इस थिएटर टॉक में है। सो मुझे लगता है उनकी इन्फॉर्मेशन आप सबको होगी, सो हम सीधे चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। चिन्मय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, किसने किसको चुना है, आपने थिएटर को या थिएटर ने आपको? नहीं, आमतौर पर हम इतने बड़े नहीं हैं कि थिएटर हमको चुने, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ही थिएटर को चुना है। क्योंकि वैसे 100 लोगों के बीच बैठकर, 100 लोगों के बीच की दो आंखें होकर किसी कला को देखना, किसी कला का प्रदर्शन देखना एक बात होती है, और ये जो चाह होती है आपके अंदर कि आप को 100 लोग देखें, ये चाह आपको मेरे ख्याल से किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ आपको ले जाती है, फिर वो चाहे नाटक हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो। तो शायद कहीं ना कहीं ये चाह मुझ में उपजी होगी बचपन में कि मुझे 100 लोग देखें, तो शायद वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हुई। नृत्य तो खैर कर नहीं पाया, संगीत सीख नहीं पाया, तो थिएटर कर लिया मैंने, सीख भी लिया, कर भी लिया, कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ख़ास तौर पे जिस समय में मैं पला बड़ा हूँ, उस समय में थिएटर यही एक माध्यम हुआ करता था। आजकल मैं देखता हूँ, क्योंकि आजकल ये जो कैमरा है ये बहुत आसान हो गया है, इसका उपलब्ध होना भी बहुत आसान हो गया है, तो अब कई सारे मैं ऐसे लोग देखता हूँ जो थिएटर नहीं करते, जो सीधे शॉर्ट फिल्म्स करते हैं, जो फिल्मों में जाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे यही एक रास्ता था कि आप पहले थिएटर कीजिए, फिर आप, अगर आपके किस्मत में हुआ तो आप कैमरे की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से वहीं से थिएटर की शुरुआत होती है। थैंक यू सर। सर फिर जब आपने ये तय किया कि अभी थिएटर करना है, सो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है NSD। मुझे लगता है उसकी प्रिपरेशन भी बहुत बड़ी होती है। सो आपके मन में कब आया कि अब NSD करना है, एंड हाउ यू स्टार्टेड? वैसे तो देखिए, एक होता है कि मुझे नाटक करना है, मुझे थिएटर करना है, और ये आप शौकिया तौर पर करते हैं, जिसे मराठी में हौशी रंगभूमि कहा जाता है, अमेटर थिएटर। और अमेटर थिएटर जब आप करते हैं तब आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद शाम को आप थिएटर कर रहे हैं, फिर आप शायद नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आप शाम को थिएटर कर रहे हैं। लेकिन थिएटर सिर्फ मेरी चाह नहीं होगी, वो सिर्फ मेरा पैशन नहीं होगा, बल्कि वही मेरी रोजी रोटी का भी जरिया होगा। ये निर्णय लेना थोड़ा सा, मतलब पता नहीं, अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तब लगता है कि शायद मैं तब बहुत छोटा था, इसलिए मैं वो निर्णय बहुत आसानी से ले पाया, तब मैंने बहुत सोचा नहीं ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। हालांकि आजकल बहुत सारे एवेन्यूज नए नए खुल गए हैं थिएटर के बीच भी, लेकिन तब वो सब नहीं था। और इसीलिए मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी जो थे एक बैंक में नौकरी करते थे, तो उन्होंने कहा भिके से धंधेत कुछ मत करो, ये सब पढ़ाई लिखाई करो, जो पढ़ना है पढ़ो, नौकरी करो, और फिर करो शौकिया तौर पर जो करना है करो। लेकिन प्रोफेशन के तौर पर थिएटर लेने का जब मैंने सोचा, तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे किसी बात को अपना प्रोफेशन बनाना है तो मुझे उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए। तो वो बेस्ट कहाँ मिलती है? तो भारत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की एक संस्था है जहाँ पे वो बेस्ट मिलती है, और
वहाँ अगर आपको जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा कड़े परिश्रम है थोड़े से, लेकिन मेरे पास समय बहुत था, क्योंकि मैंने ये निर्णय मेरे फर्स्ट ईयर बीकॉम में लिया था जब मैं मात्र 17 साल का था। तो जब मैं एनएसडी के लिए जब मैंने अपीयर किया, मैंने जब एनएसडी का मेरा पहला एग्जाम दिया, तब आई वॉज 20 एंड आई वॉज सिलेक्टेड। सो मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि कॉलेज के टाइम में आपके पास समय बहुत होता है अगर आपको कॉलेज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो जो मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर, मैंने जैसे कहा फर्स्ट ईयर बीकॉम में आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो हियर, और सेकंड ईयर बीकॉम तक आते आते मैं सिर्फ थिएटर कर रहा था। मुझे याद नहीं मैं कब कॉलेज गया, मतलब जाता तो था क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी हुआ करता था और एटीकेटी के नियम भी थोड़े से सख्त हो गए थे तब। और जहाँ तक मुझे याद है थर्ड ईयर में मेरा, क्योंकि तब मैंने सोचा था कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद मैं एनएसडी की एग्ज़ाम में भी अपीयर करूँगा, तो मैंने ग्रेजुएशन का या जो अपना टीवाई बीकॉम जो होता है उसकी पढ़ाई मैंने मात्र उतनी ही की है जितना मैं, मुझे लगा था कि मैं पास हो जाऊँगा। तो मैं सुबह उठ के आता था, एनसीपी अंधेरी रहता था तब, वहाँ पे दिन भर पढ़ाई करना, नाटक पढ़ना, और चेतन दातार तब एनसीपीए में थे, उनकी बहुत मदद हुई। सो मेरे ख्याल से वो 3 साल जो मुझे मिले, क्योंकि मैंने निर्णय बहुत जल्दी ले लिया था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये क्रैक करना है, तो मुझे 3 साल मिल गए पढ़ाई करने के लिए। और उन 3 सालों में मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स थे, फॉर एग्जांपल निर्मल पांडे जी, ऋषिकेश जोशी के साथ मैंने एक नाटक किया, विनय पेशवे एनएसडी के स्नातक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके साथ मैंने 1 साल का वर्कशॉप किया आविष्कार का। और जब मैं एनएसडी गया और जब मैंने एनएसडी का फर्स्ट ईयर कोर्स किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये फर्स्ट ईयर कोर्स तो मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि विनय पेशवे सर ने जो वर्कशॉप लिया था वो काफ़ी कुछ एक्टिंग का पार्ट जहाँ तक है वहाँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत से मुझे एडवांटेज ऑफ टाइम मिल गया थोड़ा सा, एंड आई टुक ऑल द एडवांटेज ऑफ इट, एंड दैट इज़ हाउ आई कुड क्रैक, आई थिंक आई कुड क्रैक एनएसडी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्रेट सर, आपने निर्मल पांडे जी का नाम लिया है, सो मुझे लगता है जब आप डहानुकर कॉलेज में थे उस टाइम जब एकांकिका से आपने ये सब स्टार्ट किया था, तब आपने निर्मल पांडे जी का एक शिविर किया था जी, एक वर्कशॉप। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, कैसा था? नॉर्मली मुंबई में क्या होता है, मुंबई में एकांकिका स्पर्धा का जो माहौल है बहुत तगड़ा है, और वहीं से बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार जो मराठी के हैं वो निकल कर बाहर आए हैं। लेकिन उसकी एक फ्लिप साइड है, उसकी एक फ्लिप साइड ये है कि आप 5 साल आप कॉलेज में रहते हैं, आप 5 साल के बाद कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों का मन 5 साल के बाद भी कॉलेज में ही रह जाता है, तो वो दोबारा आकर वापस एकांकिका, वापस उसी माहौल में, क्योंकि उस माहौल का एक अपना नशा है, उसका एक अपना मज़ा है। मेरी बदकिस्मती से, या अभी लगता है खुशकिस्मती से, मैंने 2-3 साल कॉलेज में जब मैं था स्टूडेंट, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, मैंने सिर्फ 2-3 साल ही एकांकिका की, उसके बाद मैंने की ही नहीं, क्योंकि तब जो हमारे डायरेक्टर थे उनके साथ थोड़ी सी अनबन हो गई। और तभी जब मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में था, जब मैं कह रहा हूँ, एक वर्कशॉप हुआ था कीर्ति कॉलेज में, जिसका जो वर्कशॉप लेने वाले जो अनेक लोग थे उनमें से एक निर्मल जी थे, और निर्मल पांडे जी से मुझे पहली बार पता चला कि हाँ भाई, एनएसडी नाम की एक संस्था है जो भारत सरकार ने बनाई हुई है, जहाँ पर आपको अभिनय की ट्रेनिंग दी जाती है 3 साल, उसके जो स्नातक है उनमें से एक नसीरुद्दीन शाह है, ओमपुरी है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। और तब मैंने ये सोचा था कि वहाँ चला जाए। वो वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, निर्मल जी के साथ काम करने का जो उनका जो पैशन था काम के प्रति वो बहुत अच्छा था, और वो टाइम तब था जब निर्मल पांडे अपने फिल्मी करियर में काफ़ी बिजी थे, काफ़ी फिल्म्स वगैरह कर रहे थे। लेकिन निर्मल जी के साथ साथ तब उसी दौरान, उन्हीं 2-3 साल के दौरान, मैंने सौरभ शुक्ला के साथ एक नाटक किया था काल नाम का, एंड आई वुड से दैट सौरभ शुक्ला इज वन ऑफ the finest directors we have in our country. It's sad कि वो थिएटर बहुत ज़्यादा नहीं करते, हालांकि अभी उन्होंने नाटक किए कुछ, one of the best directors we have. और वो 1 साल का जो प्रोसेस उनके साथ था उस नाटक का, उस नाटक के अंदर 10-12 शोज किए पृथ्वी में, NCPA में, या वहाँ, उस प्रोसेस ने मुझे ऐसा लगता है मुझे जो एक एनएसडी में जाने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो पार्ट था वो उस नाटक की प्रोसेस के दौरान हुआ। और पहले तो उस नाटक में ये था कि
हम लोग जो नए नए लोग थे, हम लोग शायद छोटे छोटे रोल्स करेंगे, मॉब में होंगे, उस प्रोसेस का भाग होंगे, और जो बड़े रोल्स थे उनके लिए सौरभ सर के दिमाग में कुछ और एक्टर्स थे जो काफ़ी नामचीन एक्टर्स थे, लेकिन somehow वो हो नहीं पाया, तो वो रोल्स भी हम ही को मिल गए, तो यू नो इट ऑल जस्ट फेल इन प्लेस। ग्रेट ग्रेट। अभी हम एनएसडी के बारे में बात की, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक भारत रंग महोत्सव करके होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, और मुझे लगता है वो अभी चालू है, सो अगर कभी आपको चांस मिले भारत रंग महोत्सव में जाने का, मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया है, एंड आई कैन सी द एनर्जी ऑफ द यू नो यूथ देयर एंड इवन द कॉन्सेप्ट्स कमिंग फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, कभी आपको चांस मिले तो ज़रूर जाइएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट एन एक्टर और एन डायरेक्टर और somebody from lights, somebody from you know stage have to go there and have to see how they work actually. So मैं फिर NSD पे को नहीं छोड़ने वाला सर। So मुझे एक सवाल बहुत दिनों से है, शायद ये बहुत लोगों को भी होगा, तो एक NSD का एक्टर, और अगर मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह करके आ रहा हूँ, एंड देन आई मीन ट्राइंग टू बी एक्सप्लोरिंग एज एन एक्टर इन एन इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री, सिर्फ टीवी सीरियल एवरीवेयर, सो आपको क्या फ़र्क लगता है कि NSD की जो शिक्षा है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? ओके, इसमें क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि NSD के पास कोई जादुई फार्मूला नहीं है कि जहाँ वो बंदा जाए और उसको आप एक फाइन तराशा हुआ एक्टर बनाकर बाहर निकालो, वहाँ पे कोई जादू नहीं होता। NSD का इम्पोर्टेंस या NSD का महत्व सिर्फ इतना है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो हमारे देश में और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप NSD में जब जाते हो, एक स्टूडेंट जब NSD में जाता है 3 साल के लिए, तो वो 3 साल सिर्फ और सिर्फ थिएटर करता है। उसको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना रेंट कैसे भरूंगा, उसको इस बात की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं टाइम पे बस पकड़ के वहाँ कैसे पहुँचूंगा जहाँ मेरा स्कूल है, क्योंकि NSD के कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, हमारा कैंपस से थोड़ी दूर था, बॉयज़ हॉस्टल चल के जाते थे। सो फॉर 3 ईयर्स आपको कुछ भी और नहीं सोचना है, और ऐसा जब आपको मौका मिलता है तब वो जो एक्सपोजर है। दूसरा, NSD मंडी हाउस में सिचुएटेड है दिल्ली में, जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमारे देश का कल्चरल हब है वो, क्योंकि अगर बाहर गांव से, बाहर देश से कोई भी नाटक या कोई भी इवन डांस परफॉर्मेंस या कुछ भी आता है, तो वो कमानी में या श्रीराम सेंटर में वो परफॉर्म होता ही है, तो वो आप बिकॉज यू आर एन NSD स्टूडेंट यू कैन जस्ट यू नो बार्ज इन एंड सी इट। तो NSD के 3 साल में मुझे बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, तो जो शायद अब अगर मैं मुंबई में हूँ, मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, तो मैं नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि वो शायद वो परफॉर्मेंसेस मुंबई तक पहुँच ही नहीं पाते। दूसरा, ये NSD की लाइब्रेरी जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज आई वुड से। NSD में जो टीचर्स आते हैं बाहर गांव से आते हैं कभी, और सबसे बड़ी बात, आपके साथ अभी मेरे ख्याल से बैच की स्ट्रेंथ अभी बढ़ गई है, 24 की हो गई, हमारे टाइम पे 20 की थी। आपके साथ भारत के, आपके अलावा और 19 लोग होते हैं जो भारत के अलग अलग कोनों से आते हैं, और आपके आगे एक बैच और आपके पीछे एक बैच, सो 59 पीपल अपार्ट फ्रॉम यू हु कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, और मेरे ख्याल से आपके सबसे बड़े शिक्षक वही होते हैं। मैंने अपने टीचर से जितना नहीं सीखा उतना मैंने अपने बैचमेट से और सीनियर से सीखा है, क्योंकि हर एक का ओरिएंटेशन अलग है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है। मेरा जो रूममेट है, मतलब जो था NSD में, पवित्र राभा, ही केम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ असम जहाँ पर 2012 तक बिजली नहीं आई थी, एंड उसके घर में गया था, घर के पीछे एक प्राइवेट पॉन्ड था, वहीं से मछली पकड़ते थे, वहीं पे खाते थे, उस तरह का एक लाइफस्टाइल जीने वाला बंदा, और मैं मुंबई शहर में पला बड़ा बंदा, गिरगांव में रहा था, अंधेरी में रहा था, लोकल ट्रेन्स, मेरे काफ़ी सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने, जो पहली बार बॉम्बे आए तो पहली बार लाइफ में समंदर देखा, और मैं पहली बार जब मनाली गया तो मैंने पहली बार बर्फ़ देखा। सो यू नो देर इज़ अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ पीपल थ्रू आउट द नेशन, और कभी कभी कुछ विदेशी लोग भी आ जाते हैं, जैसे जब मैं सेकेंड ईयर में था तब फर्स्ट ईयर में एक साउथ कोरियन स्टूडेंट था। सो ये एक्सपोजर जो आपको मिलता है, आप जब एक ही शहर में, वो शहर चाहे मुंबई ही क्यों ना हो जो एक बहुत बड़ा शहर है, आप जब एक ही जगह पर बहुत साल कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि मेरा जो कुआं है यही समंदर है। तो आप जब NSD जैसी जगह पर जाते हो तो वो
आपको समंदर का रूप पता चलता है तब कि समंदर बहुत बड़ा है। जिस तरह का थिएटर का अप्रोच मुंबई में रहने वाले आदमी का है, उस तरह का अप्रोच दिल्ली में रहने वाले आदमी का नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आप देखें मुंबई में खासतौर पर मराठी में नए प्लेस बहुत लिखे जाते हैं। वी ऑलवेज टेंड टू राइट न्यू प्लेस, देर आर लॉट ऑफ राइटर्स। अगर आप दिल्ली जैसी जगह पर जाएं, उनका नए नाटक लिखने में विश्वास नहीं है, वो पुराना नाटक लेते हैं लेकिन वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो आप मुंबई वाला बंदा सोच भी नहीं सकता। जैसे हमने डॉल्स हाउस किया था जो इब्सन का एक बहुत ही रियलिस्टिक प्ले है। अगर मैं आपको फोटो भी दिखा दूं जो हमारी परफॉर्मेंस की थी तो आप कहेंगे ये डॉल्स हाउस है ही नहीं, क्योंकि वी हैड डन इट एज अ बैले। द एंटायर देयर वर थ्री हेलमर्स, देयर वर थ्री नोराज, फिर देयर वर एक लायन और लायनेस का एक डांस हुआ करता था उसमें। अब लोग बोलते थे यार ये डॉल्स हाउस कहाँ से, ये क्या। लेकिन रॉबिन दास सर के साथ हमने किया था, ही हैड कम्प्लीटली टोन अपार्ट द एंटायर प्ले एंड ही हैज प्रेजेंटेड द एंटायर प्ले एज अ बैले। सो ये शायद मुंबई में रहने वाला बंदा सोच नहीं पाएगा जो वहाँ का बंदा सोचता है। दूसरा, ये जिनको डिज़ाइन एंड डायरेक्शन सीखना है, द नंबर ऑफ लाइट्स, द नंबर ऑफ सेट डिपार्टमेंट जो है, तो मैं ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। NSD से बहुत खराब एक्टर्स भी निकले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो NSD के हैं जो आप कहेंगे कि यार ये NSD में जाके क्या सीख के आया। और ऐसे बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी, ही नेवर क्रैक्ड NSD, नेवर वेंट टू NSD, ही अपीयर्ड 3-4 times बट ही वॉज ऑलवेज रिजेक्टेड। सौरभ शुक्ला इज नॉट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ही हैड अपीयर्ड ट्वाइस, ही वॉज रिजेक्टेड। वन मोर नेम इज शाहरुख खान, हु इज बिगेस्ट स्टार ऑफ आर कंट्री। सो NSD में कोई जादू की छड़ी नहीं है, वहाँ पर बस ये है कि NSD इज लाइक अ बाथटब। आपके इर्द गिर्द चारों जगह सिर्फ थिएटर 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 है, आपको आप उसमें जितना डूबना चाहो डूब लो। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ से क्या लेकर निकले। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पंकज त्रिपाठी, अभी आजकल का बहुत उम्दा एक्टर, मेरा जूनियर है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो सेकेंड ईयर में था तो पंकज स्कूल में आया था, हालांकि उम्र में काफ़ी बड़ा है, सीनियर है काफ़ी। When Pankaj was in NSD, he was not considered as a good student because Pankaj ने इतना थिएटर किया था गांव में बिहार में, और वो इतना थिएटर करके आया था कि उसको NSD की शिक्षा, एक तो NSD की काफ़ी सारी शिक्षा अंग्रेजी में होती है जो पंकज के पल्ले नहीं पड़ती थी। तो while in NSD, he was always considered यार इसका कुछ नहीं हो पाएगा, but now he has developed as one of the finest actors of this country। And तो NSD, अगर आप जा सको, अगर आपको वो मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। yes. जैसे मैंने कहा, मतलब मैं अगर कहूँ कि NSD के साल, तो दे आर 3 golden years ऑफ माई लाइफ। बट इफ़ यू हैव मिस दैट बस, इफ़ यू हैव, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप NSD नहीं गए हो तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। आप बिल्कुल एक्टिंग कर सकते हो, बस ये है कि उसमें फ़र्क इतना है कि एक मॉल है जहाँ पर सारे दुकान एक ही छत के नीचे है, और आप मॉल में घुसो और आप पूरी शॉपिंग करके बाहर निकलो। और अगर आप NSD नहीं गए हो तो आपको शायद गली गली में आपके दुकान ढूंढने पड़ सकते हैं, बस इतना फर्क है उसमें। मैं जो लिख के लाया था उसमें तो कोई सवाल मैंने पूछा ही नहीं अभी तक, पूछो कुछ। ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और मैं शायद नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है वी आर ऑन अ राइट रोड मैप। सर, आप अभिनय में किसे फॉलो करते हैं, अभिनय क्षेत्र को और क्यों? खुद को और किसे? आपके इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं, जैसे yes. हमारे देश में जो 80s या 90s में जिनका जन्म हुआ है, 70s 80s में, उन सब का हीरो अमिताभ बच्चन है। yes, sir, मेरा भी। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मुझे अभी भी याद है, NSD में ही हमारी जब पहली एक्टिंग क्लास हुई थी, तो आप ड्रामा स्कूल में जब आप जाते हो तो आप थोड़ा अपने आप से भी उम्मीद करते हो कि आप कुछ इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट आंसर्स दो जब आपको कोई सवाल पूछा जाए, है ना। इम्प्रोवाइजेशन के बाद जब पूछा जाता है कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों लगा आपको ऐसा कि आपको ये करना चाहिए, तो आप बहुत एक इंटेलेक्चुअल सा जवाब दे देते हो। आपको लगता है कि लड़कियाँ इंप्रेस हो जाएंगी, लड़कियों को लगता है लड़के इंप्रेस हो जाएंगे, टीचर्स इंप्रेस हो जाएंगे। तो मुझे अभी भी याद है हमारा फर्स्ट एक्टिंग क्लास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, सर्कल करके बैठे हुए थे और हमारी जो टीचर थी त्रिपुरारी शर्मा,
उन्होंने हमें ये पहला सवाल पूछा कि जिंदगी में पहली बार कब ऐसा लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए। और मैं मैडम के बिल्कुल बगल में बैठा था, मेरे नसीब से यहाँ से सर्कल शुरू हुआ तो मेरा नंबर लास्ट आया। तो मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि गांव में नदी किनारे बैठा था, शाम ढल रही थी, कोई लड़की कह रही थी कि मैं जब मंच पर जाती हूँ तो तभी मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचानती हूँ। सब सब सही है। मैं सोच रहा था यार मैं क्या बताऊं, मुझे मैं आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट आंसर कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो इंटेलिजेंट नहीं तो सच बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जब 1983 में आई वॉज फोर फाइव ईयर्स ओल्ड अमिताभ बच्चन की कूली पिक्चर आई थी, और वहाँ और हमारे चौल सिस्टम में आप क्या करते हो, आप एक VCR भाड़े पे लाते हो और आप रात भर टीवी पे चला के देखते थे पहले, अभी तो नहीं होता। तो मुझे याद है मैंने कूली पिक्चर वैसे देखी थी, और कूली पिक्चर में अमिताभ बच्चन की जब एंट्री होती है कि ट्रेन आकर रुकी है, लोग चिल्ला रहे कूली कूली कूली, और अमिताभ बच्चन ब्रिज के ऊपर से ट्रेन के ऊपर जंप मारता है, ट्रेन के ऊपर दौड़ता है, फिर वो प्लेटफॉर्म पर जंप मारता है, उसके यहाँ पर एक फाल्कन बैठा हुआ है। मैंने कहा यार अगर एक कूली इतना ग्लैमरस हो सकता है तो लाइफ में मुझे भी यही करना है। सो आई थिंक दैट वॉज माई इंस्पिरेशन टू बिकम एन एक्टर, एंड दैट इज वॉट आई टोल्ड, एंड आई वॉज वेरी लुक डाउन अपॉन आफ्टर दैट कि ये गलत आदमी आ गया ड्रामा स्कूल में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे बचपन के इंस्पिरेशन होते हैं, और आप बहुत अच्छा होता है जब आपका कोई एक गुरु नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, इट इज वेरी गुड। वी ग्रू अप सींग अमिताभ बच्चन इन मराठी, वी ग्रू अप सींग अशोक सराफ, आई यूज टू लव अशोक सराफ। देन जैसे जैसे थोड़ी सी अकल आनी शुरू हो गई, वी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग नसीरुद्दीन शाह, वी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग ओमपुरी। फिर आप विदेशी फिल्में देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, मैंने जो कहा आपको लगता है कि कुआं है, आपको धीरे धीरे समंदर का पता लगना शुरू होता है। सो आई हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेज राइट फ्रॉम मिस्टर बच्चन टू मिस्टर एल्पचिनो, सो दे ऑल यू नो आई डोंट नो व्हेन दे कम टू प्ले इन योर परफॉर्मेंस। मतलब आप एक हाथ परफॉर्मेंस कर रहे होते हो और आपको लगता है कि यार ये कहीं मैं वैसा तो नहीं कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे अगर आप खुद के साथ जब कंफर्टेबल होना शुरू होते हो एज एन एक्टर, तब आपको ये पता चलने लगता है कि आप का इन्फ्लुएंस आपके इन प्लेस होते हैं, लेकिन आपका अपना एक स्टाइल डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे यू शुड ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट पीपल। नसीर जी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं की, एंड ऑन रिकॉर्ड आई विल से दैट अकॉर्डिंग टू मी नसीर जी इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट टीचर, बिकॉज उनका नसीरुद्दीन शाह होना ही इतना इंटीमिडेट करता है आपको कि उनके क्लास में आप कुछ बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते। बट क्लास में तो हम डरे हुए रहते थे हमेशा कि कब सर चिल्ला दे और क्या हो जाए, लेकिन वो जब चाय पीने बैठते थे साथ में तब वो रिलैक्स्ड होते थे काफ़ी। तब उन्होंने कुछ बातें शेयर की, जैसे वो हमेशा कहते थे कि मैं जब भी कोई नाटक करता हूँ तो चाहे 100 शो क्यों ना हो, मैं उस 100 शो से पहले स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ता हूँ, because that helps me bring my concentration back. Now this line of Nasiruddin Shah I had heard somewhere in November of 2003, jo ab hamare sath classes le rahe the. Maine tab ye socha bhi nahi ye sahi hai ya galat hai. I started copying that and now it has become a second nature with me. Maine kafi sare show plays kiye jinke 200 se upar shows hue hain, but even today before every show, on the day of every show, I pick up my script and I read the entire script. So that is one thing I took from Churali maine unse, and it has helped me. It might not help you, it might not help anybody else. So aap kai bar aap interviews padhte ho to aapko bahut kam bar aisa hota hai ki actors apni process ke bare mein baat karte hain, warna normally aapko struggle ke bare mein pucha jata hai, aapne struggle kaise kiya, aapko chance kab mila. Yaar wo to hai, wo har kisi ko karna padta hai. बहुत कम बार एक्टर्स को उनकी प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, और ऐसे इंटरव्यूज जब होते हैं तो यू टेंड टू लर्न थ्रू देम। देयर इज अ वंडरफुल बुक
एल पचिनो के बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज हैं, मैं अभी इंटरव्यू लेने वाले का नाम भूल रहा हूँ, अनऑथराइज्ड बायोग्राफी, इट्स अ वंडरफुल बुक, और उसमें एल पचिनो हैज़ एक्सपाउंडेड अबाउट हिज प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, एंड आई थिंक एवरी एक्टर, एवरी ग्रोइंग एक्टर हु इज सिटिंग हियर शुड हैव दैट बुक विद हिम, या तो यूट्यूब पे वो सीरीज है एक्टर स्टूडियो की, जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज हैं, उसमें से अगेन मिस्टर पचिनो का इंटरव्यू, बिकॉज आई लव हिम, सो मैं उनका नाम ले लूँगा बार बार, इवन इंटरव्यू विथ केविन स्पेसी, वंडरफुल इंटरव्यूज, सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको ज़्यादा मदद करती हैं, और एक जगह पे आप ये सब देखते हो एंड अचानक यू सी अ गोविंदा फिल्म, यू सी एन एक्टर लाइक गोविंदा हु जस्ट कम्स थ्रू एंड परफॉर्म्स लाइक, अरे ये तो ये कहाँ से सीख गया है, तो मेरे लिए तो वो भी ग्रेट है, वो भी गुरु है मेरा. Thank you, sir. So today is 9th February and 2018, and I'm going to follow this. I'm going to read a script, you know, I'll go for an acting. This is great. So, say, I'm going again away from it because you, आपने sir acting के बारे में जब बात कर रहे थे, truthfulness पे आपने बात की. So, आपको क्या लगता है? What is the difference between an intelligent actor and a truthful actor? ये है, लेकिन ये है, हो सकता है. जैसे एक हमारे साथ क्लास हुई थी, मिस्टर प्रसन्ना, वेरी गुड डायरेक्टर फ्रॉम कर्नाटका, वो हमेशा ये बाइफोकेशन करते थे, एक्टर एंड परफॉर्मर, एक होता है एक्टर और एक होता है परफॉर्मर. तो यार अब इसमें फर्क क्या है एक्टर और परफॉर्मर? तो कई बार कई लोग, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा, वो सोचते नहीं हैं, वो करना शुरू करते हैं, और उनके करने से वो एक परफॉर्मेंस बहुत वंडरफुल कर देते हैं. कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो, जिनकी वर्किंग स्टाइल जो है वो बहुत इनर लेवल पर चलती है, इनर थॉट लेवल पे चलती है. हमारे देश के दो सबसे बड़े एक्टर्स, एक मिस्टर ओमपुरी और दूसरे मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, ये इन दोनों विधाओं के बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स है. इफ एवर यू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग मिस्टर ओमपुरी, और अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि सर आप, सॉरी, या मतलब अगर आपको कभी ये मिलता भाग्य, और आप अगर उनसे पूछते कि सर आपने ये कैसे किया, प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए, तो वो बोलते हैं, हाँ भाई हो गया यार, क्या करना क्या था, हो गया, कर दिया. इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, ही विल बी एबल टू एनालाइज एंड आंसर एंड आर्टिकुलेट. बट आप ये कहोगे इनमें से कौन ग्रेट है, तो दोनों ग्रेट है. नसीर जी का एक, अभी मुझे पता नहीं, वो अभी शायद परफॉर्म नहीं करते, घरवाली नाम का एक सोलो परफॉर्मेंस नसीर जी करते थे, ब्रिलियंट, मतलब आई हैव सेल्डम सीन सच अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज. एक ही आदमी 45 से 50 मिनट का परफॉर्मेंस, और आप, इट वॉज ह्यूमरस, इट वॉज एवरीथिंग, बट यू कैनॉट कैच द प्रोसेस. मतलब आर्टिस्ट का, जैसे कहते हैं ना, मुझे जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो मुझे अजहरुद्दीन बहुत पसंद है, मोहम्मद अजहरुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण, क्योंकि दोनों कलाई से इतना बारीकी से शॉट मारते कि आपको पता ही नहीं चलता कि बॉल कब निकल गई. उनका प्रोसेस दिखता नहीं है उनके काम में, उनका काम दिखता है. सिमिलरली पर्सन लाइक ओमपुरी, हु डजंट गिव इट अ थॉट, ही जस्ट स्टार्ट्स डूइंग इट एंड हिज परफॉर्मेंस कम्स आउट एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज. हम जब सेकेंड ईयर में थे एनएसडी में, तब मोहनलाल सर ने एक नाटक किया था कर्णभारम नाम का, भास का नाटक है, संस्कृत नाटक है, और मोहनलाल जी फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज परफॉर्मिंग लाइव इन थिएटर After doing so many films, more than I think 200-300 films, पहली बार मोहनलाल, जो हमारे देश के बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो हमारे देश के बहुत बड़े एक्टर हैं, मोहनलाल वॉज परफॉर्मिंग कर्णभारम, ही वॉज परफॉर्मिंग कर्ण. अब बंदा स्टार है, सुपर स्टार है, वेन कमानी ऑडिटोरियम जैसा ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी 1000 से ऊपर है, इट वॉज हाउस पैक्ड. And Mohanlal performed, we could sense that initially he was very tentative, but then he was Mohanlal, so he was brilliant.
और हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो वी इंसिस्टेड कि मोहनलाल सर शुड कम टू एनएसडी एंड यू नो वी शुड टॉक अबाउट हिम कि प्रोसेस कैसा था सर. अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स को पूछना, सर बताइए प्रोसेस के बारे में. खुद तो कभी कोई प्रोसेस करते नहीं है, फिर दूसरों को पूछते आपका प्रोसेस कैसा था. तो मोहनलाल सर आ गए दूसरे दिन और खचाखच, मतलब इतना ही बड़ा हॉल था और सब लोग बैठे, एक स्टूडेंट्स भी आए बहुत सारे क्योंकि मोहनलाल इज गोइंग टू टॉक. सो जो अपेक्षित सवाल था पहला वो पूछा गया कि सर बताइए करण करने का प्रोसेस कैसे था. तो मोहनलाल जी ही जस्ट लुक्ड एट द डायरेक्टर, के एन पणिक्कर वॉज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले. ही जस्ट लुक्ड एट हिम एंड ही सेड के सर हमको सिखाए, हम किए और हो गए. ओके तो वही सवाल फिर थोड़ा घुमा के पूछा गया, थोड़े और सवाल, थोड़े और शब्द उसमें जोड़ के पूछा गया, इंटेलेक्चुअल शब्द थोड़े और थे कि सर द डायलेमा ऑफ करणा एंड ये वो सब. तो उस पे भी मोहनलाल जी ने बोला सर हमको सिखाए, हम किए, हो गए. जब तीन बार ये हुआ तब जो हमें लगा था कि शायद दो तीन घंटे तक ये चलेगा वो 30 मिनट में खत्म हो गया था. मोहनलाल जी जस्ट गॉट अप, ही जस्ट वॉक्ड अवे, वी वॉक्ड अवे एंड व्हेन वी वेंट आउट ही वाज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर और उन्होंने कहा काफ़ी काफ़ी, आई वांट काफ़ी. तो मैंने कहा आइए सर चलिए, कॉफ़ी शॉप तो सामने. और वो कॉफ़ी शॉप पे फिर वो हमसे पूछने लगे कि क्या करते हो आप लोग, कैसे करते हो, क्या होता है ड्रामा स्कूल. तब मुझे पता चला कि ही हैज़ नॉट बीन टू एनी स्कूल बट व्हेन यू सी हिज परफॉर्मेंस ही जस्ट स्टार्ट्स डूइंग इट और वो उसको एनालाइज नहीं कर पाता कभी. तो ऐसे बहुत सारे मेरे ख्याल से हमारे बीच में एक्टर्स है, खासतौर पर लोक कलाओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, आप उनसे जब पूछोगे तब वो आपको बता नहीं पाएंगे, वो वंडरफुली परफॉर्म कर जाएंगे. और काफ़ी सारे ऐसे भी एक्टर्स होते हैं अगर आप उनसे पूछोगे कि सर प्रोसेस क्या थी तो वो आपको 5 पेज का उत्तर देंगे लेकिन मंच पे कुछ नहीं दिखेगा. तो मेरे ख्याल से जो भी एक्टर है जिसको एक्टिंग करनी है उसको उसको अपने अपने लिए ये समझना पड़ेगा कि मैं किस तरह का एक्टर हूँ. इसका कोई थंब रूल नहीं है. जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू टेक एन एक्टर लाइक नसीरुद्दीन शाह, इफ़ यू टेक एन एक्टर लाइक आदिल हुसैन, वंडरफुल एक्टर, गोज थ्रू लॉट ऑफ इनर प्रोसेस, गोज थ्रू लॉट ऑफ मेंटल प्रोसेस. बट इफ यू टेक एन एक्टर लाइक ओम पुरी जी, इफ यू टेक एन एक्टर लाइक व्हेन आई सेड गोविंदा, आप गोविंदा से क्या पूछोगे क्या इनर प्रोसेस है. सर मैं आ गया भाई, मैं आ गया, मैं करना का शुरू कर दिया मैंने. तो सो इट्स लाइक दैट. आई मीन इवन इफ यू गो थ्रू द इंटरव्यूज ऑफ एल पचिनो एंड रॉबर्ट डिनीरो, रॉबर्ट डिनीरो इज अ लॉट कैरेक्टर में घुसने की कोशिश, काइंड ऑफ एन एक्टर. एंड एल पचिनो इज मैं हूँ भाई, मैं एल पचिनो हूँ, मैं करना शुरू कर देता हूँ और मैं जो भी करूँगा मैं अच्छा ही करूँगा, कन्विक्शन के साथ करूँगा. सो ये दो तरह के एक्टर्स हैं, हर जगह पर है, वो मेल में है, फीमेल में है, हर जगह पर है. और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझना पड़ता है कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं. सर आपने कन्विक्शन की बात की सर, सो मैं भी शायद सेम सवाल पूछूंगा प्रिपरेशन पे अगेन. सो आपने शिवाजी का रोल किया है फर्जंद में, देन अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट तुकाराम, राइट. सो कन्विक्शन लेवल पे ये दो भिन्न रोल करते हुए आपने क्या प्रिपरेशन की थी. सी अगर मैं बताऊंगा तो ये मेरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा. मैं थोड़ा सा एक तो मेरा स्क्रिप्ट पे बहुत विश्वास होता है, तो एक्टर का सबसे बड़ा टूल है स्क्रिप्ट. अब अगर ऐसे नाटक आपके सामने आए जहाँ पर स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, जहाँ पर यू नो कई ऐसे नाटक होते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं होता, आपको इम्प्रोवाइज करना होता है, वो अलग बात है. लेकिन जब आप फिल्म्स की बात करते हो या टेलीविज़न की बात करते हो तो स्क्रिप्ट होता ही है, विदाउट स्क्रिप्ट यू कैन नॉट गो अहेड. सो स्क्रिप्ट इज़ योर बिगेस्ट हेल्पर एंड इफ स्क्रिप्ट गिव्स यू ऑल दैट यू वॉन्ट, एक्टर का काम 60% आसान हो जाता है. जैसे हमने मैंने एक नाटक किया था, एक नाटक क्या वो ट्रायोलॉजी थी, वाड़ा ट्रायोलॉजी, वाड़ा चिरेबंदी मंगना तड़ाकाठी युगांतर. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटन प्लेज इन आर कंट्री एंड वाड़ा चिरेबंदी इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेज इन आर कंट्री एंड दैट इज वाई इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन सो मेनी लैंग्वेजेस. आप जब वाड़ा जैसा नाटक करते हो तब आपको स्क्रिप्ट से इतनी मदद मिलती है कि आप को और बहुत ज़्यादा उसके बाद जाकर
कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज़ फार एज हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आर कंसर्न, जैसे शिवाजी है या तुकाराम है, उसमें दो बातें होती है। एक तो ये लोग ऐसे हैं, शिवाजी या तुकाराम, जिनको हमने देखा नहीं है, इनकी कोई तस्वीर नहीं है, ये हमारे लिए लेजेंड्स हैं, ये हमारे आइकन्स हैं, और हर एक के दिमाग में शिवाजी का जो रूप है या तुकाराम का जो रूप है वो अलग अलग है। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता हूँ, एट द कोर ऑफ एवरीथिंग ही वॉज अ वॉरियर, ही वॉज अ किंग, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत, ऐट द कोर ऑफ एवरीथिंग वॉट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वॉज ही, दैट इज वॉट आय ट्राई टू एक्सप्लोर इन तुकाराम ऑल्सो। सी तुकाराम इज अ सेंट, तुकाराम इज दिस, तुकाराम इज दैट, लेकिन आदमी पैदाइशी सेंट नहीं बनता, जीसस क्राइस्ट भी नहीं बना था, उसकी परिस्थिति उसको सेंट बनाती है या उसकी परिस्थिति उसको शैतान बनाती है। तो आप जब उसकी एक हिस्ट्री अपने लिए बनाना शुरू कर देते हो कि ये नाटक जहाँ से शुरू हुआ या ये सीरियल जहाँ से शुरू हुआ या ये फिल्म जहाँ से शुरू हुई, इसके पहले क्या था ये बंदा, उसका एक हिस्ट्री जब आप अपने लिए सोचना शुरू करते हो, वो हिस्ट्री आपको बहुत मदद करती है। आई ऑलवेज ट्राइड टू क्रिएट द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर। जैसे मैंने एक नाटक किया था सुखांशी भंडतो आम्ही, इट हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट सक्सेसफुल प्लेस, आई यूज टू प्ले स्किजोफ्रेनिक। अब अगेन स्किजोफ्रेनिक, अंधा, ये कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनमें जाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू नेवर नो वेन वॉट लाइन यू विल क्रॉस, और ऐसा हो जाएगा कि यार नहीं, हमें तो कन्विंस ही नहीं हुआ, या तो यार बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा है। तो ये बहुत सारे ज़रा डेंजरस जोन्स हैं ये सारे। सो वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट रोल, मैं ये सोच रहा था यार क्या करूँ मैं, जो एक रेगुलर फिल्म्स होती है कि ब्यूटीफुल माइंड देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वो सब देख लिया मैंने। आई वॉज स्टिल नॉट गेटिंग इट कि यार नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा मुझे। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था और मैं टीवी पे मिस्टर बीन देख रहा था, और तब मुझे एक स्ट्राइक हुआ अचानक से कि स्किजोफ्रेनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये आदमी है, मिस्टर बीन, जो आदमी अपनी ही एक रियलिटी में जी रहा है, जो आदमी ही इज अ चाइल्ड ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग मिस्टर, आई वॉच्ड द एंटायर मिस्टर बीन, पूरा बैठ के देखा मैंने, और मुझे तब ये पता चला कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा अपने लिए एक वर्चुअल रियलिटी अपने इर्द गिर्द पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने जो मेरा कैरेक्टर था, हालांकि मिस्टर बीन में और हम जो प्ले कर रहे थे उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, आई वॉज प्लेइंग अ मैन हु हैज़ किल्ड हिज वाइफ एंड हिज सन एंड हैज़ टर्न्ड इनटू अ स्किज़ोफ्रेनिक एंड नाउ इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। सो इट वॉज अ वेरी ग्रिम प्ले इन दैट सॉर्ट। लेकिन फिर मैंने उस बंदे की एक रियलिटी बनानी शुरू कर दी। जब आप टेक्स्ट में, आपको जब सेंटेंसेस होते हैं, आपको जब वाक्य होते हैं कि मेरी माँ फलाना फलाना ऐसे ऐसे वहाँ जाया करती थी, यू शुड सी योर मदर डूइंग दैट। इफ़ यू आर एबल टू सी दैट, जिसको हम कन्विक्शन कहते हैं कि कन्विक्शन कहाँ से आता है, तो कन्विक्शन यहाँ से आता है। आपको अगर आपकी माँ दिखती है, अगर आपको उस, आपकी माँ मतलब कैरेक्टर की माँ। अब कई बार ये भी बहुत सारे स्टानिस्लावस की जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें ये भी है कि आप अपनी लाइफ से जोड़ कर देख लीजिए कि अपनी लाइफ में, दैट इज ऑल्सो अ वे, इट इज़ नॉट दी ओनली वे, क्योंकि कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आप लोग अपनी लाइफ से जोड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। नाटक में कई बार आप ऐसे एक्सपीरियंसेस दिखा रहे हो जो आपकी लाइफ में आपने कभी नहीं लिए, तब आप क्या करोगे, तब आप कहाँ से लाओगे। लेकिन आप उसको लिटरली मत लीजिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जॉन गिलगुड का किस्सा ही है। जॉन गिलगुड वॉज प्लेइंग, जॉन गिलगुड इज अ वेरी रिनाउंड ब्रिटिश एक्टर, शेक्सपियर का नाटक कर रहे थे जूलियस सीजर, एंड जॉन गिलगुड वॉज प्लेइंग सीजर। अब जूलियस सीजर का किस कथा आपको शायद पता हो, जूलियस सीजर बहुत बड़ा राजा था और उसी के जो मंत्री थे, जो सीनेट के लोग थे, उसी के मंत्रियों ने उसे सीनेट के अंदर ही छुरे भोंक कर मार दिया, और जो उसका सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड था ब्रूटस ने उसको आखिरी छुरा मारा, और वो फेमस लाइन जो है एट टू ब्रूटस। अब जॉन गिलगुड इज प्लेइंग ब्रूटस, जॉन गिलगुड इज अ वेरी रिनाउंड मेथड एक्टर, तो वो कि आज तक जैसे लोगों ने किया मैं अलग करूँगा कुछ, तो अच्छी बात है। अब वो जो एट टू ब्रूटस वाला मोमेंट था वो नहीं आना था, नहीं वो बहुत फॉल्स लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि मुझे पता है पहले से ही कि ब्रूटस मारने वाला है, कहाँ से लाओ वो इमोशन, कहाँ से लाओ, इतना बड़ा बिट्रेयल कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ,
कि बहुत करीबी दोस्त ने, ठीक है कभी किसी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया होगा तो वो भी नहीं, मैंने ही 10 गर्लफ्रेंड्स को डिच किया है, तो अब कहाँ से लाओ वो बिट्रेयल का इमोशन कहाँ से लाओ। विंटर के दिन थे एंड देन हिज मैन सर्वेंट वो उनके लिए बाथ ऑन कर देते थे एंड देन यूज टू हैव हिज बाथ। सो ही टोल्ड हिज सर्वेंट व्हेन ही केम होम कि यार ऑन कर दो, गर्म पानी चला दो, मैं नहा लूँगा जाके। एंड ही वेंट, कुछ किया काम वाम, बाथरूम में चले गए, बाथरूम में टैप ऑन किया, शावर ऑन किया। नाउ द मैन सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू पुट ऑन द गीजर एंड द शावर दैट केम वॉज अ कोल्ड शावर इन से सम विंटर, नवंबर दिसंबर की बात थी। तो वो जो झटका लगा पहला, दैट इज वॉट जॉन गिलगुड सेज, दैट इज वेयर आई गॉट इट टू ब्रूटस, कि जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लाइफ में। कि रोज का पता है ना, रोज आऊंगा नौकर गीजर ऑन करेगा, मैं पानी छोड़ूंगा गर्म पानी आएगा। उस दिन ऐसा हुआ कि मैं अंदर गया, मैंने पानी छोड़ा और ठंडा पानी आया, -20 जो भी सब जीरो टेम्परेचर होगा उसमें। और वो जो आप सबको पता होगा जब ठंडा पानी ठंडी में पड़ता तो कैसे होता है, दैट वॉज हिज फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, इट वॉज एज सिंपल एंड दैट इज वेयर ही गॉट हिज मोमेंट ऑफ एट टू ब्रूटस। सो एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि अगर मुझे भिखारी का रोल करना है तो मैं 10 दिन जाके झोपड़पट्टी में रहूँगा। इट्स गुड, आई मीन इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, इफ इट हेल्प्स यू यू शुड डू दैट। जैसे मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि आप जिस कॉस्ट्यूम में अगर आप नाटक कर रहे हो, आपका जो फाइनली जो कॉस्ट्यूम होने वाला है उसको पहनकर या उसके जैसा कुछ पहनकर आप बहुत पहले से रिहर्स करना शुरू कर दीजिए। मैंने वाड़ा चिरेबंदी जब पहली बार देखा था, आई हैव ग्रोन अप इन अ जॉइंट फैमिली, आई हैव सीन माई अंकल्स एंड आंट्स एंड माई ग्रैनी, माई ग्रैंडफादर, फादर, मतलब एक बड़ी फैमिली मैंने देखी है। तो जो वाड़ा चिरेबंदी का जो बेसिक कहना है, उस नाटक का जो कहना है, वो उससे तो मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ। देन इट डजेंट मैटर कि वो विदर्भ में है या कोंकण में या कहाँ पर है। अब रही बात विदर्भ के बोली की, तो ए वी हैड ग्रेट एडवांटेज ऑफ वर्किंग विथ अ ग्रेट डायरेक्टर कॉल्ड चंद्रकांत कुलकर्णी। सो चंद्रकांत कुलकर्णी आई वुड से एंड आई वुड क्लेम दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन दिस कंट्री एंड ही इज द बेस्ट टीचर फॉर स्पीच इन दिस कंट्री। वंडरफुल वर्क ऑन स्पीच, वंडरफुल। तो जब चंद्रकांत कुलकर्णी जैसा डायरेक्टर हो तब आपकी बस चूक नहीं सकती, तब आप यू आर बैंग ऑन। दूसरा ये कि आई हैव अ लिटिल बिट फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस, तो मैं डायलेक्ट उठा लेता हूँ फटाक से, तो मुझे उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हर डायलेक्ट का है ना एक उसका, जैसे गाने की ट्यून होती है वैसे हर डायलेक्ट की एक ट्यून होती है, वो अगर आप पकड़ लो तो वो डायलेक्ट आपको आ जाती है, आप उसको समझ सकते हो। आई डोंट क्लेम दैट आई कैन स्पीक इन यू नो वराड़ी बोली और वैदर्भीय बोली, आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन जो मेरे डायलॉग्स हैं जो मैं रट के इतने शोज करने के बाद जो अब मेरा सेकंड नेचर हो गए, वहाँ तक आई वुड ब्रिंग दैट कन्विक्शन देयर। सो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक रीजनल कैरेक्टर प्ले करते हो, यू ट्राई टू गो इन टू क्लीशेज, वो जो गंदे घटिया क्लीशेज होते हैं कि जो साउथ इंडियन कैरेक्टर है तो वो कुछ आईओ टाइप्स का कुछ बोलता है जो कोई साउथ इंडियन बंदा नहीं बोलता, अगर गुजराती है तो वो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ओवर द टॉप होता है, इंट्रोवर्ट गुजराती लोग भी तो होते हैं। हाँ, लेकिन हर भाषा का एक एक एक, जैसे मैंने वी हैड डन अ प्ले कॉल्ड सांप सीढ़ी विथ मोहन महर्षि, आई यूज टू प्ले अ बंगाली कैरेक्टर एंड आई हैड अ बंगाली बैचमेट, हिज नेम वॉज ऑल्सो चिन्मय। तो मैंने ये नोटिस किया कि बंगालीज जो अपने अ होते हैं उसका आ कर देते हैं, वो बस को बास बोलते हैं, है ना, वो आ कर देते हैं उसका। तो उतनी सी छोटी सी चीज़ मैंने पकड़ ली थी उसमें एंड दैट इज़ वॉट आई ट्राइड टू इम्बाइब इन दैट। जैसे हर कल्चर का एक कुछ ना कुछ होता है, जैसे पंजाबीज में आप देखेंगे कि जहाँ पर जुड़े हुए अक्षर होते हैं वो उसको अलग कर देते हैं और जो अक्षर अलग होते हैं उनको जोड़ देते हैं, है ना। जैसे ब्लाउज को बलाउज बोलेंगे और पराठा को पराठा बोलेंगे, पराठा वो पराठा है ना, उसको पराठा बोलेंगे और ब्लाउज को ब्लाउज बोलेंगे। अब ये हर 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 एक
क्या कहेंगे आप, हर एक भाषा का, हर एक बंदे जाति का कुछ ना कुछ एक आपको मिल जाता है, लेकिन आप अगर उसको कैरिकेचरिज कर दोगे या आप उसको बहुत सिली कर दोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता। अब जैसे वाड़ा चिरेबंदी की अगर बात करें तो पराग ठेठ वहाँ का रहने वाला बंदा, बहुत सीखा नहीं है लेकिन वहाँ का रहने वाला है, पर ब्राह्मण फैमिली का है, तो उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है वो बोली में। तो वो हमने जितनी हो सके, एक तो टेक्स्ट की जैसे मैंने कहा बहुत मदद की कि टेक्स्ट में वो महेश एलकुंचवार सर ने उसके कॉमा फुल स्टॉप से लेके इतना क्लियर कट लिखा है कि आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें जो एक्सक्लेमेशंस भी है आई, वो भी उन्होंने लिखे हुए वहाँ पे। और दूसरा चंद्रकांत कुलकर्णी सर, तो उनका अपना उस टेक्स्ट के ऊपर बहुत, मतलब ही कैन टॉक अबाउट वाड़ा तरई फॉर डेज टुगेदर, ही इज सो मच इमर्स्ड इन टू इट, सो दैट वॉज द प्लस पॉइंट। सर डिरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, तो आप कैसे लगाएंगे इसके क्रम? नहीं, मैं नहीं लगाना चाहता बिल्कुल नहीं लगाना, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। सी आई स्टार्टेड एज एन एक्टर बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आपको वो पहले तो आप उससे अभिभूत होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ से। जैसे आपके जो हीरोज होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको अभिभूत करते हैं, यू दे पुट यू इन ऑ। अगर किसी बंदे को क्रिकेटर बनना है तो वो तेंदुलकर से इंस्पायर होता है ना, कि यार जिस बंदे ने 10,000 से ज़्यादा रन्स किए, 20,000 से ज़्यादा रन्स किए, वॉट एवर, आज के ज़माने में विराट कोहली है। सो यू आर इंस्पायर्ड व्हेन यू आर लाइक ओ गॉड व्हाट इज़ दिस, आई वांट टू डू दिस। जैसे जैसे इस फील्ड में मैं आता गया वैसे वैसे मुझे पता चला कि नहीं, एक्सप्लोरेशन के और भी बहुत सारे मार्ग हैं। राइटिंग इज़ समथिंग विच केम टू मी नेचुरली, आई मीन इट वॉज देयर इन मी, मे बी बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ माई फादर। माई मॉम वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद लैंग्वेजेस, माई फादर वॉज एन एविड रीडर एंड ही ऑलवेज एनकरेज रीडिंग इन आर फैमिली, सो मे बी वहाँ कहीं से राइटिंग आई होगी। और एक नॉर्मली होता है ना, आप जब परीक्षा का पेपर सॉल्व करते हो तो आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। मेरा साथ ऐसा होता था कि भाषा के जितने पेपर्स होते थे, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैं ऐसे पहले लिख देता था, क्योंकि रट्टा मार के तो गया नहीं होता था, तो जो इमेजिनेशन से लिखना है वो पहले लिख दो फटाक से। और मुझे अभी भी याद है, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, और हमारे देवकुड़े मैडम नाम की एक हमारी टीचर थी मराठी की, तो तब हुआ मेरे साथ ये था कि एक ऐसे मैंने इतना लिख दिया था कि बाद का पेपर सॉल्व करने का टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास बहुत कम मार्क्स आए थे, फेल तो नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स आए थे। जब ओपन डे के लिए गए तब वो जो हमारी मैडम थी देवकुड़े मैडम, उन्होंने मेरे फादर को बोला था ऐसे बहुत अच्छा लिखा है, मतलब कम मार्क्स आए वो छोड़ दो, ऐसे बहुत अच्छा लिखा है, इसमें है कुछ, आप उसको ज़रा देखो वो लिख सकता है। तब मेरे फादर को क्या, मुझे भी ऐसे लगता है क्या बात करे अपने वो किधर आता है। बट आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड इवेंचुअली आई लर्न्ड इन दिस मीडिया स्पेशली इट पेज यू ऑल्सो वेल, बिकॉज राइटर्स की कमी है बहुत, बहुत ज़्यादा राइटर्स, अच्छे राइटर्स हैं नहीं, तो अगर आप, लेकिन कविता लिखना, उपन्यास लिखना, नाटक लिखना, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना, ये अलग अलग विधाएं हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो उपन्यासकार अच्छा हो वो बहुत अच्छी फिल्म लिख सके, इट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म ऑल टुगेदर एंड यू हैव टू लर्न दैट। तो जैसे मैंने 3 साल की मेरी ट्रेनिंग हो गई NSD की, तो मैंने राइटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो मैंने ली है, वहाँ कोई मॉल मेरे हाथ में नहीं लगा, तो मुझे गली गली जाके शॉपिंग करनी पड़ी। माई बिगेस्ट गुरु वॉज मिस्टर अभय परांजपे, विथ हुम आई स्टार्टेड राइटिंग, ही इज़ नो मोर सैडली। आई रेड ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स ऑफ सिड फील्ड, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्क्रीन प्ले राइटिंग गुरु इन हॉलीवुड, एंड रॉबर्ट मैकी, हु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ गुरु। अब अगेन इन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। रॉबर्ट मैकी का कहना है कि आप कंटेंट पे ज़्यादा जोर दो, सिड फील्ड का कहना है कि आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दो। सो एज अ स्टूडेंट यू रीड बोथ एंड यू फाइंड योर ओन वे कि तुमको क्या लगता है। डायरेक्शन वॉज अ नेक्स्ट स्टेप, कि अब
लिख भी सकते हैं, एक्टर्स से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं क्योंकि खुद एक्टिंग आती है, तो एक डायरेक्ट करके भी देख लेते हैं। और उसमें हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोडक्शन प्रोसेस नाम का एक क्लास होता है, इट इज़ अ वंडरफुल क्लास, अनुराधा कपूर लेती थी वो क्लास। तब मुझे ऐसा लगा कि आई कैन विजुअलाइज समथिंग ऑन स्टेज एंड मे बी आई कैन डायरेक्ट, सो दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड। एंड नाउ व्हेन आई एम डूइंग ऑल दीज अकॉर्डिंग टू माय ओन कन्वीनियंस, आई एम हैप्पी। अगर आपको एक साथ तीन चीज़ें आती तो अच्छी बात है, उसमें टेंशन क्या लेना, क्रम क्यों लगाना, है ना। सर, राइटिंग में एक जब कोई कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं तो एक सीड ऑफ राइटिंग रहता है। सो जो कॉन्सेप्ट उपज के आते, सो व्हेन इट कम्स इन योर माइंड राइट, सो आप उसे डेवलप कैसे करते हो? अगर एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसका क्या करोगे फाइनली। आप नाटक लिखोगे, आप फिल्म लिखोगे, आप शॉर्ट फिल्म लिखोगे, इसकी जिंदगी कितनी है या इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कई बार एक आध आइडिया आपको आ जाता है और आपको ये लग सकता है कि यार ये इसका एक वन एक्ट प्ले हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक शॉर्ट फिल्म हो सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर एक फुल फ्लेज्ड फिल्म हो सकती है। सो वो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका करना क्या है, अगर आप एक वो सिर्फ एक आइडिया लेवल पर है तो। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं लेकिन उस पर ब्रिलियंट फिल्म नहीं बनती, तो तब शायद ये हो सकता है कि अगर इसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई होती 40 मिनट की तो ये अच्छी शॉर्ट फिल्म बनती, इसने दो घंटे की फिल्म बना दी तो उसमें पानी डाल दिया तो वो फिजल आउट हो गया। तो पहले तो ये, अगर फिर ये तय हो कि मुझे करना क्या है तो फिर उसके अलग अलग तरीके हैं। अगर आप उस वी हैव टू डेवलप इट इनटू अ स्क्रीन प्ले, देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट विल बी द बिगनिंग मिडिल एंड द एंड ऑफ द स्टोरी, कौन से कैरेक्टर्स होंगे, क्या होगा, सिचुएशंस क्या होंगी, तो वो धीरे धीरे डेवलप करने की वो प्रोसेस है स्क्रीन प्ले की। किसी प्ले का अगर एक प्रोसेस आप बता सके शॉर्ट में, जो प्ले यार शॉर्ट में तो नहीं प्ले प्ले और या थिएटर इज अ टू डायमेंशनल मीडियम। आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नाटक और फिल्म में मूलभूत डिफरेंसेस क्या है। कई बार क्या होता है, लोग स्टेज पे फिल्म करने जाते हैं सही और वो फंस जाते हैं। मैंने अभी एक नाटक पढ़ा, मेरे ही एक एनएसडी के एक जूनियर ने लिखा है, करण के ऊपर नाटक लिखा है, अच्छा नाटक लिखा है, बट शी ट्राइड टू ब्रिंग इन सो मेनी विजुअल्स इन द प्ले विच वुड हैव रिजल्टेड इन सो मेनी गिमिक्स। तो मैंने कहा नाटक में क्या होता है, नाटक में अगर ये थोड़ा सा एक्टिंग का पार्ट है अगेन, नाटक में जब एक एक्टर मंच पर खड़ा होता है और अगर वो विंग की तरफ देखता है तब ऑडियंस भी विंग की तरफ देखती है कि उनको पता है कि कोई आने वाला है। नाटक में अगर आप देख के बोल दो वाह आज कितना सुहाना चांद है तो वो चांद ऑडियंस के दिमाग में आ जाता है। फिल्म में अगर आपका टाइट क्लोज लगा और आप बोलोगे वाह क्या सुहाना चांद है तो नेक्स्ट शॉट हैज टू बी ऑफ द चांद। फिल्म में अगर आप चांद नहीं दिखाओगे तो लोग कहेंगे यार ये लो बजट फिल्म है। नाटक में कोई नहीं कहेगा, हमारे संस्कृत नाटकों में लोग खड़े हैं एक चक्कर लगा के आ जाते, चलिए अब मैं चलता हूं द्रुपद राजा की नगरी में जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर है, एक चक्कर लगाया मैं आ गया द्रुपद राजा की नगरी में जहां पर द्रौपदी का, कुछ नहीं बदला, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। That is the power of theater and that you should know. इसका मतलब आप अच्छे सेट ना बनाओ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे सेट, आप झामा जिसको कहते हैं ना, झामा किया बहुत, बिल्कुल करो, लेकिन lot still audience has to be engrossed and lot has to be left on audience's imagination. मैं ये नहीं कह रहा, आप नहीं तो आप कहोगे कि फिर realistic नाटक क्यों करते हैं हम लोग, क्यों टेबल कुर्सी वाले नाटक होते हैं, क्यों प्रॉपर्टी होती है, क्यों क्या होता है, लेकिन उसमें भी आप अगर देखोगे तो नाटक में आप नरेटिव्स बहुत होते हैं। आपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडीज पढ़ी होंगी, एक मैसेंजर आता है एक डेढ़ पन्ने की स्पीच बोल देता है जिसमें वो सब सुना देता है पीछे से आगे तक क्या हुआ। इफ द सेम इज कन्वर्टेड इन टू अ फिल्म एंड इफ यू शो एन एक्टर टॉकिंग फॉर 15 मिनट्स यू वुड से दिस इज बोरिंग, ब्लडी गो इन टू दैट फ्लैश बैक, शो मी वॉट हैपेंड। सो ये डिफरेंस है नाटक और फिल्म में।
नाटक में सोलोलोकीज वर्क होती हैं। सोलोलोकीज आर, मैं ये कहूँगा, आर द स्ट्रेंथ ऑफ थिएटर। एक अच्छा एक्टर जब एक अच्छी सोलोलोकी परफॉर्म करता है तब आपको अच्छा लगता है, यार इसने खड़ा किया पूरा मेरे नज़र के सामने, मुझे अच्छा लगा। फिल्म में बहुत कम एक्टर्स हैं जो सोलोलोकीज पुल ऑफ कर पाते हैं, और उसमें भी आप फिल्म की जो सोलोलोकी होती है वो जैसे बागवान में अमिताभ बच्चन की है, बहुत बड़ी स्पीच, इट डजंट टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड, ही पोर्स हिज हार्ट आउट, इट्स अ वंडरफुल सीन, ही हैज परफॉर्म्ड इट वंडरफुली। लेकिन अगर आप ये खड़े होके बोलना शुरू कर दोगे कि 20 साल पहले मैं जब छोटा था तब ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो 20 साल पहले के बाद एक टेंडिंग फ्लैशबैक नहीं आया तो ऑडियंस बोले कि बोर हो गई फिल्म अभी, जो नाटक में नहीं होता। नाटक में अगर आप एक प्लेकार्ड आके लगा दो और वहां उस पर लिखो ये जयपुर रेलवे स्टेशन है, लोग मान लेते हैं जयपुर रेलवे स्टेशन। सो ये डिफरेंस है नाटक में और फिल्म में। और इसीलिए जब आप नाटक लिखते हो तब आपको ये नाटक के ये जो बलस्थान है ये पता होने चाहिए कि मुझे क्या दिखाना है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं अगर नहीं दिखाऊंगा तो भी कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि नाटक में आप एक जब एक सेट बनाते हो तब आप बहुत सारी चीज़ें उस सेट के पीछे छोड़ के आते हो। अगर आप सेट चेंज भी करते हो, मान लीजिए अगर आपके नाटक में हर सीन में हर लोकेशन अलग जगह पर भी होता है, तो भी वो स्पेस एंड टाइम की यूनिटी नाटक में तोड़ पाना थोड़ा सा, उसमें बहुत सारे लोग गिमिक्स करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग तोड़ते हैं। एक मान लीजिए एक सीन चल रहा है, खट से एक स्पॉट में दो लोग अलग कुछ बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन अगेन इट्स ओनली दैट वन स्पॉट ऑफ लाइट, अगेन इट्स लॉट इज लेफ्ट टू इमेजिनेशन। आई हैव टू इमेजिन कि इसी स्टेज पे ये एक अलग लोकेशन खड़ी की गई है। सो इन थिएटर लॉट इज लेफ्ट टू ऑडियंस इमेजिनेशन, एंड इन फिल्म्स वॉट एवर आई हैव इमेजिन्ड आई वॉन्ट टू सी इट कम ट्रू। मैं जब हैरी पॉटर की किताब पढ़ता हूँ तो मेरे सामने एक हॉगवर्ड्स खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर मैं नाटक करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस पे इमेजिनेशन पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन उस पर मैं जब फिल्म करता हूँ तो मुझे वो सब दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, आपको ये पता चले नाटक लिखते हो कि मैं नाटक, आप कितना भी टेक्निकली वो कितना भी ब्रिलियंट हो, कुछ भी हो, नाटक फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टर सेंट्रिक है, यू कैनॉट डिनाई दैट। ऐसे बहुत सारे प्लेज आए हैं, आएंगे, जहाँ पे एक्टर का महत्व बहुत डिनाई किया जाएगा नाटक में कि नहीं मैं लाइट्स ऐसे कर दूंगा, मैं सेट ऐसा खड़ा कर दूंगा कि, लेकिन फाइनली लोग एक्टर देखने आते हैं। आप कुछ भी कर लो, एक्टर जो हैं नाटक अपना है। फिल्म में आप हाँ जब हम वो नाटक पढ़ते भी हैं तो उसमें एक जगह पर गली है, एक जगह पर राजमहल है, और मतलब वो स्पेस बदलती है उस हिसाब से। तो नाटक लिखते हुए आप क्या उस चीज को फॉलो करते हैं कि उस नाटक को भी हमें नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक नाटक ऐसा हो सकता है जहाँ पे हर सीन में लोकेल बदल सकता है। डोंट टेक इट वेरी लिटरली, मैं ये कह रहा हूँ कि इवन इन दैट स्पेस, इवन इन दैट सीन, अगर गली है, आप नाटक में गली क्या करोगे, गली का कैसे खड़ी करोगे, गली आप सेट लगाओगे, ठीक है लेवल्स लगाओगे, मैं जब बैठा मुझे पता तो चल ही रहा है लेवल है। स्टिल एज एन ऑडियंस फॉर मी इट बिकम्स अ गली। ये नाटक की बहुत बड़ी, इन नाटक यू नीड नॉट लाइट अ फायर ऑन स्टेज, यू क्रिएट अ सिंबल एन इमेज। नाटक में सिंबल वर्क होते हैं, नाटक में इमेज वर्क होती है, फिल्म में आपको रियल चीज दिखानी पड़ती है। या सी एक तो होना चाहिए कि नाटककार को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए बॉस, मतलब अच्छा नाटककार वही है जो जब वो कर रहा है तब उसे पता हो। अगर सेट डिजाइनर उसे पूछ ले हाँ भाई बोल लिख तो दिया है तूने कैसे करूंगा, तो उसके बाद एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा अगर करे तो हो सकता है। अब उसके बाद डिज़ाइनर की कलाकारी है कि वो कैसे दिखाए। जैसे कई बार होता है ना, कई सारे नाटकों में एक्टर है
एग्जिट ले लेता है, इमीडिएट नेक्स्ट सीन में वही एक्टर है, दूसरा दिन है तो कब बदलेंगे तुमने। सो इस ये जो एक बेसिक ग्रामर है, मैं इसीलिए कह रहा हूं नाटककार बहुत ज्यादा कई बार उपन्यासकार अच्छा नाटककार नहीं हो पाता। आई डोंट नो कितने लोग मराठी यहाँ पर हैं पढ़ पाते हैं, वसंत कानेटकर नाम के हमारे एक बहुत बहुत अच्छे राइटर हो, वेरी कमर्शियल राइटर, रोट मोर देन 40 प्लेस एंड ऑल ऑफ देम वर कमर्शियल हिट्स। वसंत कानेटकर के अगर आप नाटक पढ़ोगे तो वसंत कानेटकर के नाटक में आपको क्राफ्ट समझ में आएगा कि वसंत कानेटकर के नाटकों में एक्टर को कपड़े बदलने के लिए लगने वाला जो टाइम है उसको भी नाटककार ने समझ लिया था कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है, इसको मैंने सीन में एग्जिट दी है, अगले सीन में मुझे इसे एंट्री देने, वो अगले सीन की शुरुआत कहीं और से करके उसको एक 5 मिनट का ब्रीदिंग स्पेस देके उसकी एंट्री प्लान कर। और एक और खास बात, अभी बात कर ही रहे तो मैं शेयर करूंगा, वसंत कानेटकर के नाटकों में अगर आप देखेंगे ऐसे सीन्स जहां पर है जहां पर मेन कैरेक्टर स्टेज पर नहीं है, मतलब मान लीजिए हीरो हीरोइन स्टेज पर नहीं है, नौकर का सीन है, किसी और का सीन है, यू विल फाइंड दैट द डायलॉग्स आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट डायलॉग राइटिंग, वंडरफुल डायलॉग राइटिंग। क्योंकि इनको अगर देखना है तो कम से कम डायलॉग तो अच्छे लिखूंगा इनके लिए ताकि लोग इनको देखें। सो क्राफ्ट वाइज ही वॉज अ ब्रिलियंट। इसका दूसरा एग्जाम्पल इज विजय तेंदुलकर। क्राफ्ट वाइज आप विजय तेंदुलकर के नाटक अगर पढ़ोगे, उसको क्राफ्ट वाइज अगर आप पढ़ोगे, ए विजय तेंदुलकर हैज ट्राइड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स इन हिज प्लेस, ही हैज रिटन अ प्ले लाइक घासीराम कोतवाल ऑल्सो विच इज इन अ वेरी फ्री फॉर्म, लोक नाट्य की तरह लिखा हुआ है। ही हैज रिटन अ प्ले लाइक गिधाड़े ऑल्सो विच इज जो रियलिज्म से थोड़ा उठ के है, एंड ही हैज रिटन अ प्ले लाइक सखाराम बाइंडर ऑल्सो, ही हैज रिटन अ प्ले लाइक शांतता कोर्ट चालू है ऑल्सो। सो विजय तेंदुलकर ने फॉर्मेट के साथ बहुत खेला है। इनिशियल जो नाटक है उनके शुरुआत के पीरियड के, श्रीमंत, मधला भिंती, वो बहुत रियलिस्टिक नाटक है। सो अगर आपको नाटककार का फॉर्म एक्सप्लोर करना है तो ये दो नाटककार हमारे इंडियन नाटककार बहुत, गिरीश कर्नाड राइट्स अ लॉट बेस्ड ऑन फोक टेल्स, सो हिज प्लेज आर वेरी मच इन फ्री फॉर्मेट। अगर आप तुगलक पढ़ोगे, तुगलक फिर भी बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन बाद में जो जो प्लेज हैं, हैवदन है, नागमंडल है, अग्नि और बरखा है, रक्त कल्याण है, ये सारे प्लेज धीरे धीरे रियलिज्म को छोड़ के लोक नाट्य की विधा में चले जाते हैं। और जहाँ पे लोक नाट्य आते हैं वहाँ पे मैंने जैसे कहा वो बहुत फ्री हो जाता है फॉर्म, फिर आप गली को गली ना बोलो, आप बोल दो ये गली है तो भी चल जाता है, क्योंकि लोक नाट्य का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सर आपने हॉगवर्ट्स की बात की, एक बुक जब हम पढ़ते हैं तो उसके विजुअल्स क्रिएट हो जाते हैं, सो ऐसे एक कादंबरी पे आपने एक समुद्र नाटक लिखा था, सो जब उसको कादंबरी से नाटक तक आप लेकर आए तो उसमें आपका क्या प्रोसेस रहा? ये समुद्र कादंबरी को नाटक करना थोड़ा ज़्यादा आसान था इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल नॉवेल है उसमें भी सिर्फ दो ही लोग हैं और उन्हीं दो पात्रों की कशमकश है सारी जो हम नाटक में लेके आए। उसका जो विजुअल पार्ट है, जो ऑडियो पार्ट है, वो जैसे जब नाटक किया तब समुद्र की जो आवाज़ थी वो सेकंड बेल से ही शुरू होती थी और वो पूरे नाटक में पीछे चलती थी। सो लोगों को एक पॉइंट के बाद ऐसा एक फील देना चाह रहे थे कि आप समंदर किनारे बैठ के ही देख रहे हो पूरा नाटक। आप किसी भी मीडियम से जब नाटक या फिल्म में कन्वर्ट करते हो तो दो बातें होती है, एक तो आपको ओरिजिनल मटेरियल के साथ कितना ईमानदार रहना चाहिए। समुद्र मैंने जब किया तो मिलिंद बोकिल जिन्होंने नॉवेल लिखा है उनके जो वाक्य थे मैंने उनके साथ ईमानदार रहने की 100% कोशिश की। हमने समुद्र के 83 शोज परफॉर्म किए और हमेशा मुझे ऐसे लगता था कि यार समथिंग इज नॉट वर्किंग, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो जो साला बैंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, मुझे जो इम्पैक्ट चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और यही इसी साहित्य संघ में हमारा 84th शो था और तब मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं ये जो भाषा बोल रहा हूँ ये एक कादंबरीकार की भाषा है,
ये बिकॉज आई हैव ट्राइड टू रिमेन 100% ट्रू टू मिस्टर बोकिल. 84 शो के पहले मैंने पूरा नाटक रीराइट किया, पूरा नाटक रीराइट. मैंने बोकिल सर को फोन किया, मैंने कहा मैं आपका कहना नहीं बदल रहा, मैं आपको जो कहना है वो नहीं बदल रहा, मैं स्ट्रक्चरली थोड़ा नाटक बदल, मैं अभी उसको नाटक कर रहा हूँ. अभी तक वो एक नॉवेल पे बेस्ड नाटक था, अभी मैं उसको नाटक कर रहा हूँ. और उसके बाद मेरे ख्याल से वो नाटक वर्क हुआ जा रहा. तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वेन यू आर कन्वर्टिंग समथिंग इन टू अ प्ले और अ फिल्म, एज अ राइटर ऑफ द फिल्म और अ प्ले, यू योर आपकी जो लॉयल्टीज हैं वो आपके नाटक के साथ होनी चाहिए. एक पॉइंट के बाद आपको ओरिजिनल मटेरियल जितना भी बड़ा, आप चाहे महाभारत पे नाटक लिख रहे हो या आप चाहे किसी बहुत बड़े उपन्यास पे नाटक कर रहे हो, अगर उसमें ड्रामेटिक क्वालिटी लैकिंग है, अगर उसमें अगर जैसे कहते ऐसा करके आपको फिर भी ड्रामा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. अगर उसमें ड्रामेटिक स्ट्रक्चर लैकिंग है तो उसको तोड़ो, लोग आपका नाटक देखने आ रहे हैं. अगर लोगों को नॉवेल पढ़ना है तो वो नॉवेल पढ़ेंगे घर पे बैठ के. आप एक्टर्स हो, आप प्ले राइट्स हो, यू रिमेन ट्रू टू योर थिंग. हाँ, उसमें आप डिस्टॉर्शन मत करो, और अगर डिस्टॉर्शन कर रहे हो तो जो ओरिजिनल नाटक का जो लेखक है अगर वो है तो उसके साथ जरूर बात करो. कई बार आप, हमने देखा है शेक्सपियर के नाटकों को, मैंने ईडिपस रेक्स किया था, माई फर्स्ट प्ले एज अ डायरेक्टर वॉज ईडिपस रेक्स. तो मैंने जब उस नाटक को किया, मैंने उसको कीर्तन के फॉर्मेट में किया था, आदिपुष्य नाम का नाटक किया था. अब ईडिपस रेक्स सिर्फ 40 मिनट का प्ले है, मैंने जब वो प्ले किया था तो मैंने वो पूरे 2 घंटे का प्ले किया था. ईडिपस रेक्स जहां पे शुरू होता है, दैट वॉज माई लास्ट 40 मिनट्स ऑफ द प्ले. उसका जो सफर था वहां से लेकर पूरा, वो हमने पूरा किया था. इट वॉज मे बी इट वॉज स्टूपिड थॉट अभी मुझे लगता है, लेकिन मैंने पूरी कहानी बताई. मुझे ऐसे लगा कि मैं ये नाटक महाराष्ट्र में कर रहा हूँ जहां पर लोगों को ईडिपस पता ही नहीं है, एक ईडिपस कॉम्प्लेक्स सिर्फ सुना हुआ है. तो मे बी आई नीड टू टेल द एंटायर स्टोरी, आई वॉन्ट टू डू फुल प्ले, आई डिड, आई वॉज ट्रू टू माई प्ले. अब सोफोक्लेस अगर जिंदा होता तो मैं फोन करके पूछ लेता कि भाई ऐसा कर रहा हूँ, परमिशन दे. सर, आपने जो नाटक लिखे हैं वो रियलिज्म पे, रियलिज्म के बहुत क्लोज जाते हैं. सो आपने भी सोचा है कि साइफाई या कभी गॉथिक हॉरर इसे कभी जनरे ट्राई क्रिएट किए जाए? बिल्कुल करने चाहिए. अभी मैंने जो नाटक, मेरा जो अभी नाटक चल रहा है वैक्यूम क्लीनर, इट्स अ फैंटेसी, इट्स नॉट रियलिस्टिक एट ऑल. आई मीन इन स्ट्रक्चर या इट इज रियलिस्टिक, बट बेसिकली इट्स अ फैंटेसी. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने अंदर का कलाकार बरकरार रखना है, यू शुड ट्राई डिफरेंट जॉनर्स, यू शुड नॉट स्टिक टू वन. एंड आई ऑलवेज डू दैट. मेरा पहला नाटक था बेचकी, विच वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ओरिएंटेड साइकोलॉजिकल ड्रामा. देन आई डिड समुद्र, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ पोस्ट मराइटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव प्ले था. देन आई डिड अलबत्या गलबत्या, विच वॉज children's play, but we did it in style. Now I'm doing vacuum cleaner, which is out and out comedy and a fantasy. So you should keep on trying different genres. So तो एक निर्देशक के तौर पे भी आप vacuum cleaner में आपकी एक भूमिका है उसमें. Am I right, right? Yeah. तो कभी ऐसा होता नहीं कि लेखक और निर्देशक आमने सामने आ जाते हैं स्क्रिप्ट के लिए, यानी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अगर, तो कौन जीतता है? रूथलेस निर्देशक और मुझे अपने लाइंस काटने में बहुत बड़ा था. आई कट लेफ्ट राइट एंड सेंटर. सी, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. जो लेखक ये कहता है ना कि हाँ, अगर आपको लगता है कि नो दिस इज माय कोर थॉट, दिस शुड नॉट गो, यू शुड फाइट फॉर इट विद ऑल योर लाइफ. लेकिन अगर ये लाइंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत वर्बोज हो रहा है, अपने लाइंस के प्यार में मत रहना कभी बहुत ज्यादा. अच्छा, ये आप ही के थॉट है, इस प्ले में नहीं यूज हो सका, दूसरे प्ले में यूज कर लो यार. आइडिया कभी वेस्ट नहीं जाता, आइडिया कभी वेस्ट नहीं जाता. अगर आपको कोई बहुत अच्छा डायलॉग सूझा है, कभी वेस्ट नहीं जाएगा, यहाँ नहीं वहां यूज कर लो, उसमें क्या है, तुम्हारा ही है. बट ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत जरूरी होता है, और खासतौर पर जब राइटर डायरेक्टर एक हो
तब ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी लूज कर दें। तो कान अगर खुले हो थोड़े से तो आई थिंक योर ऑब्जेक्टिविटी कैन बी मेंटेन्ड। यू शुड बी एबल नॉट टू फॉल इन लव विथ योर प्ले। आफ्टर अ पॉइंट यू शुड बी एबल टू, जैसे प्रसन्ना जी का मैंने नाम लिया था, प्रसन्ना जी हमेशा ये कहते थे कि डायरेक्टर की जगह रिहर्सल के पहले दिन, अगर यहाँ रिहर्सल चल रही है तो उसके रिहर्सल के पहले दिन उसकी जगह यहाँ, और जब शो का दिन आता है तब उसकी जगह सबसे पीछे वाली सीट पे होती है। मुझे वो डायरेक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं जो शो के दिन विंग्स में खड़े होकर अरे चल स्पीड लगा। अगर आपको ये करने की जरूरत है तो आपने रिहर्सल ढंग से नहीं किया इसका। एंड आई कैन प्राउडली से दिस, आई हैव डायरेक्टेड लाइक 5 कमर्शियल प्लेस। इन ऑल माई 5 प्लेस फॉर माई फर्स्ट शो आई हैव गॉन एज एन ऑडियंस। 8:30 का शो है तो मैं 8:15 जाता हूँ, भाई मेरी सीट कहाँ है, मैं बैठ जाता हूँ, सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, एंड आई जस्ट वॉच द शो। यू शुड बी एबल टू सिट इन द ऑडिटोरियम एंड वॉच योर शो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ने मुझे टेंशन आ रहा है, मैं बाहर घूम के आऊँ। क्यों? तुमने किया है 40 दिन, तुमने मेहनत की है, देखो अब ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सो आई ऑलवेज डू दैट, आई लव टू वॉच माई प्लेस सिटिंग इन द ऑडिटोरियम, ऑलवेज सिट ऑन द लास्ट रो, और मैं देखता हूँ कैसा लोगों के रिएक्शन भी पता चलते, क्या वर्क हो रहा है ये भी पता चलता है, क्या नहीं वर्क हो रहा ये भी पता चलता है। एंड यू शुड बी एबल टू टेक दैट, आई मीन इतना तो जिगरा रखना चाहिए ना कि मतलब अगर पता भी है कि शायद ये वर्क नहीं हो। जैसे बेचकी जब मैंने किया था, बेचकी फॉर वॉन्ट ऑफ द बेटर वर्ड काफी बोल्ड था प्ले तब के जमाने में, तो आई वॉन्टेड टू सी हाउ पीपल विल रिएक्ट टू दिस, सम हाउ इट वेंट वेल। आई मीन कई बार लोग कहीं कहीं शोज में लोग हंस भी देते हैं, बट आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ रिएक्शंस यू शुड एक्सपेक्ट एंड यू शुड बी एबल टू डाइजेस्ट दैट। सो बीइंग एन एक्टर, कभी कभी कोई नाटक जब आप निर्देशित करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रोल मैं कर लेता अच्छा होता? नहीं, अगर लगेगा तो मैं करूंगा। लेकिन समुद्र के बाद मुझे ऐसा, मैंने ये अभी तक तो डिसीजन लिया कि थिएटर में डायरेक्टर और एक्टर एक ही डजंट वर्क मच फॉर मी एटलीस्ट। देयर हैव बीन ग्रेट डायरेक्टर्स हु हैव एक्टेड इन देयर ओन प्लेस, दे हैव बीन ग्रेट एक्टर्स हु हैव डायरेक्टेड देयर ओन प्लेस। प्राइम मोस्ट एग्जांपल दैट कम्स टू माइंड इन मराठी थिएटर इज विनय आपटे, वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल एक्टर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में है ना, एक बंदे ने यहाँ बैठकर रिहर्सल देखनी चाहिए। समुद्र के टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ होती थी इस बात कि मैं ही कर रहा हूँ, फिर मुझे कई बार मैं फिर किसी प्रॉक्सी को खड़ा करता था, फिर मैं बाहर से देखता था, तो मेरे लिए वर्क नहीं, इट्स माई वेरी पर्सनल ओपिनियन। शायद ये कोई ग्राउंड रूल नहीं है, शायद कल को लगा तो कर भी लूंगा। लेकिन फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक मॉनिटर होता है, तो अगर आप शॉट लगा भी दो और आप एक्ट भी कर रहे हो, आप देखो फिल्म में बहुत सारे और लोग होते हैं, तीसरी आंख होती, नाटक में वो नहीं होती। तो नाटक में तीसरी आंख डायरेक्टर की, तो तीसरी रहे तो अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है, नॉट नेसेसरी। सर, टीवी फिल्म थिएटर एज एन आर्टिस्ट आपने टीवी फिल्म थिएटर में एक्सप्लोर किया है, सो थिएटर को छोड़ के टीवी और फिल्म्स में आपको क्या चैलेंजेस एज एन एक्टर, एज एन यू नो राइटर डायरेक्टर में भी? सी, टेलीविजन का सबसे बड़ा चैलेंज है द शेयर क्वांटिटी ऑफ वर्क। आप रोज उठो, रोज सेट पे जाओ, 13-14 सीन्स करो, घर आओ। थिएटर करने वाले बंदों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हो जाती है कि उनको रिहर्सल्स की आदत पड़ जाती है। अगर हम रिहर्स नहीं कर पाते तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। टेलीविजन इज डेड अगेंस्ट दैट। टेलीविजन में यू डोंट गेट टाइम टू रिहर्स, बिकॉज काम इतना होता है कि आपको, अगर आप लकी हो तो घंटे भर पहले स्क्रिप्ट मिल जाएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि 15 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिल जाता है। सॉरी, बट आई थिंक योर ट्रेनिंग एज एन एक्टर इन थिएटर शुड हेल्प यू देयर। वहां पे आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपका ट्रेनिंग काम आना चाहिए, आपका ट्रेनिंग वहां पर बोझ नहीं बनना चाहिए। यार मेरा तो प्रोसेस है कि मैं पहले पेंसिल से पूरा मार्क करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं याद करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। अगर ये प्रोसेस है, ये थिएटर के लिए सही है, बिल्कुल सही है, दिस इज हाउ इट शुड बी। बट आप एक ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हो जहां पे जो चालू माल है। दूसरी बात ये, एक तो आप उसको अंडरमाइन मत करो,
ये मत कहो कि यार वैसे तो मुझे फिल्म ही करनी, लेकिन अब चलो कर लेता हूँ। नहीं, इट्स अ वेरी बहुत बहुत अच्छा मीडियम। सीरियल आपको जितना पॉपुलैरिटी देगा उतना कुछ और नहीं देगा। इसलिए तो अमिताभ बच्चन भी कौन बनेगा करोड़पति कर रहा है, और सलमान खान भी दस कदम कर रहा है, और शाहरुख खान च्युइंगम से लेके सब कुछ बेच रहा है। टेलीविजन टेक्स यू, द पेनिट्रेशन ऑफ टेलीविजन इज ग्रेट, यू कैन नॉट डिनाई इट। सो यू हैव टू, जैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये काम करने का तरीका है, अब इसमें मेरी ट्रेनिंग का उपयोग मैं कैसे करूं, ये ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग बोझ नहीं बनना चाहिए। आई एम अ ट्रेंड एक्टर, रुको मुझे पहले इस कैरेक्टर का इनर थॉट बताओ। फिर वो डायरेक्टर बोलेगा सर कोई इनर थॉट नहीं, इनर थॉट ये है कि 7 बजे पैकअप करना है और शिफ्ट है और ये सीन कल टेलीकास्ट होने वाला है, ये इनर थॉट। वहां पर आपकी ट्रेनिंग आपको मदद करेगी। जो भी आपने सीखा है आपको बस करना यह है कि मैंने जो सीखा है, जो एक 1.5 महीने का 40 दिन का प्रोसेस है, क्या मैं उस प्रोसेस को कंप्रेस करके 15 मिनट में ला पाता हूं? And if you try, you can. And I've been doing that for past 15 years. So that will help you. Films, if you are doing a good film, a good director, good film. आजकल फिल्म्स वाले हिंदी फिल्मों वाले तो बहुत ज़्यादा उसके प्रति जागरूक हो गए हैं कि वर्कशॉप्स होते हैं, यू गेट टाइम। फिल्म में आपको फिल्म की लाइटिंग भी काफ़ी टाइम लेती है, तो वो भी आपको एक टाइम मिल जाता है। फिल्म में काम कम होता है, दिन में आपको 3 या 4 सीन करना होता है, टेलीविजन में आपको दिन में 13-14 सीन करना होता है कई बार। सो टेलीविजन में आपको थोड़ा सा ऑन द टोज रहना पड़ता है, आपको थोड़ा सा नहीं नहीं ये मेरा प्रोसेस है ठीक है, लेकिन आप उनकी मजबूरी को भी समझो, आप उस माध्यम की जो प्रॉब्लम है उसको भी समझो। आप ये कहोगे कि नहीं मेरा प्रोसेस ही सही है, अगर नहीं होता तो तुम बाढ़ में जाओ, तो वो कहेंगे आप बाढ़ में जाओ। सो डोंट से नो। और अभी तो टेलीविजन और फिल्म्स के दोनों के बीच का एक मीडियम निकल कर आया है, वेब सीरीज का। सो all I want to say is your training and your process should be helpful, it should not become a baggage for you. नहीं तो कई बार ऐसे होता है ना, कई बार यार ये बहुत सवाल पूछता है यार एक्टर, मत लो इसको। ये ट्रेंड एक्टर्स के बारे में कई बार होता है ऐसे। आप ये भी समझो कि आप किसको सवाल पूछने वाले हैं, उसको कितना मालूम है। क्योंकि कई बार टेलीविजन के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको सिर्फ इतना मालूम है कि ऐसे शट से ओएस लगाऊंगा, ऐसे खट से मास्टर होगा, फिर खट से एडिट होगा, उसको उतना ही मालूम, उसको नहीं मालूम आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत। वो आप एक्सप्लोर करो, अगर आपको बहुत जरूरी लगता है तो राइटर को फोन लगाओ, मत लगाओ लेकिन, क्योंकि वो कल का स्क्रीन पे लिखने में बिजी है। फॉर्म योर ओन जर्नी, इट विल हेल्प यू। सर 13-15 आवर्स ऑफ वर्क समटाइम्स, राइट? तो क्या बात है, 15? मुझे Sometimes maybe day. Normal shift is of 13 hours. 13 hours. So our even above 15 hours maybe. But when as an actor, how to keep up that energy? What you do to keep up that energy? एक तो दारू सिगरेट कम पियो। सो बहुत ज़्यादा। देखो यार टेलीविजन को कई बार ऐसा लगता है कि टेलीविजन को एक्टर्स की नहीं, टेलीविजन को स्पोर्ट्समैन की जरूरत है, जो चुस्त तंदुरुस्त हो, बॉडी बिल्डर हो। लेकिन अभी वो धीरे धीरे ट्रेंड जा रहे हैं। बालाजी का जब उदय हुआ था वो ट्रेंड बहुत था कि जिनका ये नहीं हिलता था, जो पूरे शरीर का एक्सरसाइज करते थे, सिर्फ यहाँ का एक्सरसाइज करना भूल जाते थे, ऐसे लोग एक्टर्स हुआ करते थे। अभी ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन सी यू फाइंड। और देखो एक्टर की लाइफ है ना आसान होती है थोड़ी थोड़ी, एक्टर को सेट पे सोने का मौका भी बहुत मिलता है, तो आराम कर लिया करो। यू शुड नो हाउ टू मेंटेन योर ओन एनर्जी। जैसे कहते हैं ना कि लगातार इंडिया के प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, फिटनेस कैसे मेंटेन करेंगे? अब हो रहा है तो हो रहा है यार, उतना पैसा भी मिल रहा है, उतना एक्सपोजर भी मिल रहा है। इट्स अप टू यू टू रिमेन फिट। थोड़ा सा अपने डाइटिंग पे, थोड़ा सा बाकी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम। सर आजकल आपने बोला वेब सीरीज, टीवी फिल्म्स, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल, राइट? यू कैन गो इफ यू वांट टू गेट एंटरटेन, आप जा सकते हो मोबाइल पे देख सकते हो। सो
इस एरा में आप क्या लगता है, व्हाट विल हैपन विद थिएटर? थिएटर ऑलवेज सीम्स टू बी डाइंग बट समहाउ इट नेवर डाइज. तो मैं नहीं जानता थिएटर के साथ क्या होगा, लेकिन जब तक एक बंदे को ऐसा लगता है कि मुझे चार लोगों के सामने जाके कुछ परफॉर्म करना है और चार लोगों को ऐसे लगता है कि मैं इस एक बंदे का सुनूं, तब तक थिएटर जिंदा रहेगा, वो नहीं जाएगा. अब आप उसके उसके जो माने हैं वो बदलते हैं. अब स्टैंड अप कॉमेडी आ गया है. स्टैंड अप कॉमेडी क्या है? स्टैंड अप कॉमेडी थिएटर ही तो है. कहाँ सेट लगाते बैठेंगे, कहाँ नाटक करेंगे? एक बंदा आपको 20-25 मिनट के लिए बहुत हंसाता है, एंटरटेन करता है. ऐसे चार बंदे आते हैं, दो घंटे का एंटरटेनमेंट हो जाता है आपको. सो मैं तो ये कहूँगा कि आजकल बहुत सारे एवेन्यूज खुल रहे हैं आपके लिए नए नए. और एक्टर को, मतलब एनिमेशन आएगा जो भी है, एक्टर को तो आप नहीं रिप्लेस कर पाओगे ना, आदमी तो लगेगा ना. सो हाँ, अब थिएटर कैसे होना चाहिए ये बदलेगा जरूर. जैसे हमारे मराठी कमर्शियल नाटक भी होते थे कि पहले दिन में 3-3 शोज होते थे, 11 बजे का एक शो, 4 बजे का एक शो, 8 बजे का एक शो. अब वो सब सिकुड़ के वीकेंड पे ही आ गया है ऑलमोस्ट. सुबह के शोज तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, रात के शोज भी बहुत कम होते हैं. तो वो बदलेगा, लेकिन थिएटर नहीं मरेगा. थिएटर रहेगा. वो आप स्ट्रीट प्ले करते हो, आप स्टैंड अप करते हो, आप वन एक्ट प्लेज करते हो, ये सब रहेगा. उसकी एनर्जी नहीं मरेगी. मुझे नहीं लगता थिएटर बंद हो जाएगा. हाँ, हो सकता है कि कमर्शियल थिएटर उस तरह से बंद हो जाए, या इस टाइप का एक थिएटर हुआ करता था जैसे पारसी थिएटर हुआ करता था पुराने जमाने में, कि वो ओपेरा हाउस में आगा अशर कश्मीरी के प्लेज परफॉर्म किए जाते थे. अब वो बंद हो गया, अब वो नहीं होता, अब उसकी जगह कुछ और होता है. लेकिन थिएटर वो नहीं जाता. थिएटर में इनको कोई चीज चेंज करनी है, ओके, तो वो कौन सी करेंगे? बहुत सारी चीजें चेंज कर. एक तो मैं पहली बात, भारत के तौर पे अगर हम बात करें तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ना हो, हर स्टेट का एक नेशनल स्कूल. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एनएसडी में ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज हिंदी एंड इंग्लिश. अब कई बार क्या होता है, साउथ इंडिया से या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो लोग आते हैं उनको हिंदी नहीं आती. लैंग्वेज ऑफ परफॉर्म, नाटक जितने होते हैं वो सारे हिंदी में होते हैं. और कई सारे अच्छे एक्टर्स, ओनली बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज, दोज एक्टर्स गो फॉर डिजाइन एंड डायरेक्शन. सो व्हाई वन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? हमारा देश इतना वेरिड कल्चर का देश है, मेरे ख्याल से हर राज्य की कैपिटल में एक नेशनल स्कूल ऑफ वॉट एवर दैट राज्य होना चाहिए, ताकि ट्रेनिंग आसान हो जाए लोगों को. और जितने ट्रेंड लोग थिएटर में आएंगे उतना थिएटर ज़्यादा ग्रो होगा. क्योंकि अभी थिएटर को, अभी भी कई जगहों पर थिएटर को इस तरह से देखा जा रहा है कि हाँ ठीक है, वो चार लोग मिलके कुछ करते हैं नाटक. कमर्शियल थिएटर एक तौर से सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, वो और कहीं नहीं है भारत में, कहीं भी नहीं. जहां पर नाटक करके एक्टर को पैसा मिलता है, जहां पर नाटक करके एक्टर अपनी गाड़ी खरीद सकता है. क्यों ना एक्टर अपनी गाड़ी खरीदे यार, वो क्यों झोला वाला एक्टर चाहिए तुमको? सो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि हर राज्य में एक एकेडमी हो, हर राज्य का अपना एक कमर्शियल थिएटर हो. आप स्टूपिड फिल्म्स देखने के लिए मल्टीप्लेक्सेस में 400 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते हो, 300 रुपए का टिकट देख के एक अच्छा नाटक देख लो यार, वहां पे आपको पास चाहिए. अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई आज तक कि एक्टर को ही पैसा नहीं मिलता. मतलब जो लाइट लगाने वाला बंदा है वो लाइट लगाने का तो पैसा लेता है. सही है. अगर एक्टर को कहीं जाके दाढ़ी भी करनी है तो नहीं तो पैसा लेते हैं. उसको बोलोगे अरे नहीं यार, मैं आज इब्सेन का नाटक कर रहा हूँ. इब्सेन बहुत महान नाटककार थे नॉर्वे के, दाढ़ी करने का पैसा मत. सो आई थिंक जैसे हमारे केएस राजेंद्रन नाम के प्रोफेसर थे एनएसडी में,
वेरी ह्यूमरस गाय, ही यूज्ड टू से वी आर इम्पार्टिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर अ प्रोफेशन विच डज नॉट एग्जिस्ट. थिएटर एक्टर नाम का कोई प्रोफेशन नहीं है. थिएटर एक्टर को या तो बैंक में नौकरी करनी पड़ती है या उसको सीरियल में काम करना पड़ता है. उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो जिसको मराठी में एक बहुत अच्छा शब्द है बदला, उसका जो हर्जाना है, उसका जो रेम्यूनरेशन है, उसे मिलना चाहिए. तो ये चीज मेरे ख्याल से मैं थिएटर में के कमर्शियल थिएटर जब हम बोलते हैं ना, तो अचानक से एक मैंने देखा कि महाराष्ट्र के बाहर वाले लोग अचानक से ऐसे, छी छी तुम कमर्शियल थिएटर करते. अरे नहीं नहीं, हम कमर्शियल थिएटर करते हैं इसलिए हमारे यहाँ एक्टर गाड़ी में आता है नाटक करने, वो मेट्रो में नहीं आता. सो वील कीप दैट वर्ड कमर्शियल असाइड, वील कीप द वर्ड एक्सपेरिमेंटल असाइड एंड वील से दैट थिएटर शुड बी मोर प्रोफेशनल. सो इफ थिएटर इज मोर प्रोफेशनल, इफ देर आर मोर रिपेटरी कंपनीज, रीजनल रिपेटरी कंपनीज, आई थिंक थिएटर सीन थ्रू आउट द कंट्री विल बी वेरी नाइस. मुझे लगता है अगर किसी को यहाँ पे सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं. एक नाट म्हणून प्रेक्षकाचं, प्रेक्षकाचं किंवा एक नाटककार म्हणून, लेखक म्हणून, वाचकाचं तुम्हाला दडपण येतं का? माझा थोडासा प्रश्न ऐन वेळेला आणखीन सांगतो. एक क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट म्हणून असं कधी म्हणणार का किंवा वाटलंय का तुम्हाला, मला काय लिहायचं नाही, कोणी वाचत मला जसा अभिनय करायचा आहे, सुचत आहे माझ्या जसा गुरमीत आहे, मनात आहे डोक्यात तसं मी केलं, कोणाला पटलं ना असं होणार असं. हा मला कळलं तुम्ही, खूप छान प्रश्न. मी फक्त उत्तर हिंदीत दिलं तर चालेल का, कारण बरेच लोक इथे प्रश्न समजला. ये इनका सवाल ये है, सवाल समझ में आया है? सवाल सवाल इनका ये है कि एज एन एक्टर और एज ए राइटर ऑडियंस का कभी आपको प्रेशर महसूस होता है या आप ये सोचते हो कि जैसा मुझे लगेगा वैसे मैं करूँगा, फिर चाहे ऑडियंस को पसंद आए या ना आए. इसमें दो बातें होती हैं, एक तो चॉइस ऑफ रोल होता है कि कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक इमेज में कैद हो जाते हैं कि आपके एक नाटक को जब सफलता मिलती है तब आप उसका बैगेज लेके आपके अगले नाटक में जाते हो कि यार एक मेरा नाटक अभी उसको लोगों ने सराहा है, लोगों को अच्छा लगा है, तो यू नो आइदर आई शुड स्टिक टू इट और देन आई शुड डू समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट. सो चॉइस ऑफ वर्क में ही वो प्रेशर आना शुरू हो, प्रेशर जरूर आता है. आपको फेलियर का प्रेशर नहीं आता कभी, आपको सक्सेस का प्रेशर ज्यादा आता है. जैसे होता है ना कि तेंदुलकर कहेगा कि यार एक सेंचुरी हो गई, अब अगले मैच भी होनी चाहिए. दूसरा ये कि जब आप परफॉर्म करते हो लेखक म्हणून, जब आप लिखते हो तो ये मेरे ख्याल से ये लिबर्टी ज्यादा है कि मैं लिखूंगा कोई पढ़े ना पढ़े, क्योंकि उस लिखने में मेरे अकेले की इमोशनल इन्वेस्टमेंट है. लेकिन जब मैं एक नाटक करता हूं तब उस नाटक का एक गणित होता है, उस नाटक में कई सारे लोगों का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल टाइम एंड एनर्जी इन्वॉल्व होती है. तो उसमें मेरे ख्याल से एक्टर इस लिबर्टी में नहीं रहता कि मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा, कोई देखे ना ना देखे, क्योंकि नाटक हम इसीलिए करते हैं कि लोग देखें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कुछ अलग नहीं कर सकते, आपको करना चाहिए. हो सकता है कि लोगों को लगे कि यार अच्छा नहीं लगा, एंड यू कैन ऑलवेज से आई ट्राइड टू डू समथिंग एल्स, बट मैं कुछ कर रहा था और लोगों को मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. ये जब होगा तो आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ डेंजर, वो नहीं होना चाहिए. इतना आत्ममग्न नहीं होना चाहिए एक्टर को कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि तुम कर क्या रहे हो. राइटर हैज दैट, आई वुड से ही हैज दैट लिबर्टी, बिकॉज आपको मुझे अगर लगा कि मुझे ये लिखना है, मुझे आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, आई वुड जस्ट टेक अ पेपर एंड अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग इट, फिर वो चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, वो कहीं छप के आए ना आए, क्या जाता है. जिसे हम डायरी लिखान कहते हैं कई बार, अभी तो उसके लिए भी आपको एवेन्यूज अवेलेबल हैं, आप
फेसबुक पे जाके लिख देते हो, आप ब्लॉग्स लिख देते हो, फिर आप ये परवाह नहीं करते कि इसको कोई पढ़े ना पढ़े, लोग कैसे रिएक्ट हो। लेकिन एक्टर के पास ये लिबर्टी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो जब परफॉर्म करता है तो उसके परफॉर्मेंस के अराउंड और भी कम से कम 10 से 12 लोगों का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। सो बेसिकली थिएटर ये एक समूह कला है, तो उसमें मेरा इंडिविजुअल निर्णय, मुझे ऐसे लगा इसलिए मैंने ऐसे किया, ये इसका रोल थोड़ा कम है। जबकि लेखन जो है, राइटिंग जो है, वो एक इंडिविजुअल की कला है, तो वो जैसे चाहो जो चाहो आप लिखो, कौन रोकने वाला है आपको। बहुत सारे नाटक है, एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली नाही, माझं मुझे यही कहना है कि ऐसा अगर कुछ है कि देर इज सम अनरिकग्नाइज्ड ब्रिलियंस कि उन्होंने लिखा है और तब लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हमें समझ में आएगा, लेकिन आज आ सकता है, तो आई थिंक इट शुड बी। कई बार ऐसा होता है कि कई बार नाटककार अपने टाइम से बहुत आगे का लग जाता है, कई बार ऐसा होता है। जैसे समुद्र नाटक जो हमने किया था, तो मुझे याद है मुझे एक काफ़ी एजेड से अंकल थे, वो मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर 30 साल पहले ये नाटक तुम कमर्शियल पे लेके आते तो कोई नहीं आता ये नाटक देखने, 30 साल बाद आयरा आप कर रहे हो तो ठीक है। तो ऐसे शायद खानोलकर ने कई नाटक ऐसे लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं। जैसे एक झुंझ वारेशी नाटक जब पुल देशपांडे ने ट्रांसलेट किया हुआ है उसको, तब जब आया था तब काफ़ी सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ा था वो नाटक, अभी वो शायद आसान लग जाए थोड़ा सा। सो वो टाइम टाइम की बात है, कई बार कुछ नाटककार अपने वक्त के बहुत पहले कुछ लिख जाते हैं और वो क्राफ्ट वो समझ में नहीं आती लोगों के, अभी शायद आ जाए। और कोई सवाल? जो मैंने कहा कि हो गया, आदमी के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर हमारा एक स्वभाव है, सही बात है। अब मुझे उस स्वभाव से परे कुछ मिला, तो मैंने जो कहा था ना अभी कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले, कि आप शेयर्ड एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हो। कि मुझे अगर मान लो औरंगजेब का रोल करना है, अब मैं तो औरंगजेब हूं नहीं, मैं एक कला प्रिय आदमी हूं, मुझे अच्छा लगता है कोई पेंटिंग करे, ड्राइंग करे, गाए, लेकिन मुझे एक ऐसे आदमी को पोर्ट्रे करना है जिसको कलाओं से सख्त नफरत थी, जो फैनेटिक था दिमाग में, तब मुझे ये देखना पड़ता है कि अच्छा मेरे लाइफ में ऐसा कोई पैरेलल है क्या, मेरे कोई दादाजी थे क्या जिनको अच्छा नहीं लगता था जब मैं गाता था। कभी कभी हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बातें निकालते हैं, अगर वो भी नहीं है तो हम कई बार ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने एक नाटक किया था जब हम एनएसडी में थे, तिनका तिनका नाम का, दैट प्ले वॉज बेस्ड ऑन गुजरात अर्थक्वेक विच हैड हैपेंड इन 2001। अब सबसे पहली बात तो अर्थक्वेक क्या होता है यही पता नहीं है, मैंने आज तक कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक, वो एक्सपीरियंस आप कहां से लाओगे। तो हमने कई सारे टेप्स देखे जो विक्टिम्स थे उनके, कि पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर मलबा गिरा, फिर हम लोग भागे, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब। तो कई बार आपका रिसर्च आपको उन एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो
मेरे ख्याल से एक्टर को अपना जो अनुभव विश्व जिसे हम कहते हैं उसको थोड़ा उसके दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। अगर आपको, जैसे आपने कहा कि अगर मुझे ऐसा रोल करना है जो मेरे पर्सनल विचारों से या मेरे पर्सनल स्वभाव से काफी मिलता जुलता रोल है तो आसान है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप मुझे एक ऐसे आदमी का रोल दो जिसका जन्म साउथ बॉम्बे में हुआ है, जो गिरगांव में पला बड़ा है और अचानक से वो शिफ्ट हो गया अंधेरी और वहां से और आगे ठाणे, और अब वो रोल मुझे करना है, तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विद इट। अगर आपने मुझे एक ऐसे बंदे का रोल दे दिया जो कश्मीर से भागा हुआ है, जिसको कश्मीर से भगाया गया है, तब भी मुझे ये जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है एक जगह से दूसरी जगह जाने का और जो मेरा शहर था उससे दूर जाने का, वो एक्सपीरियंस वहां भी मुझे काम आ सकता है। लेकिन आप अगर मुझे एक ऐसे बंदे का रोल दो जिसका जो कैंसर पेशेंट है, अब मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, देन मे बी रिसर्च विल हेल्प, देन मे बी सीइंग सम डॉक्यूमेंट्रीज, मीटिंग सम पीपल विल हेल्प। सो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस इम्बाइब करने का, एक्सपीरियंस अपने अंदर लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको बस ये करना होता है कि आपको थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है। तो और ख़ास तौर पे जब आप ऐसा कोई कैरेक्टर कर जाते हो जो जैसे आप नहीं हो, तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, कि लोग जब बोलते कि यार बहुत तुमको ऐसा देख के बहुत सॉलिड लगा हमको, है ना सर जी। हाँ, कोई एक प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर खुद फिल्में बनाता है, खुद लिखता है, पिक्चर चले या न चले ये सोचता नहीं, दो चार फिल्मों के बाद में पूरा वो गर्जे में आ जाता है, तो वो खुद के खुशी के लिए फिल्म बनाता है और कहता है फ्लॉप एंड हिट आई डोंट थिंक, मुझे आगे बढ़ना है। ये क्या है? वो पागल है वो, और क्या है, इतना पैसा अपना बर्बाद कर रहा है। थोड़ा सा एक आप एक चीज करते हो उसमें आप पैसा डालते हो, पैसे का नुकसान होने के बाद भी अगर आप अलर्ट नहीं हो और आप बनाते जा रहे हो तो अच्छी बात है यार, तुम्हारे पास पैसा है उड़ाने के लिए, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टर को देख के, सी एक्टर को देख के, स्टार को देख के स्क्रिप्ट लिखा जाता है नॉर्मली। या तो तुम्हारे भाई ने अगर प्ले लिखा तुमको देख के तो वो अलग बात है। नॉर्मली क्या होता है, आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपका एक रैपो बन जाता है किसी राइटर के साथ, किसी उसके साथ, और फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं जब ये प्ले लिख रहा था तब मेरे दिमाग में ये बंदा था, ऐसा हो सकता है। लेकिन फाइनली जो एक्टर काम कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं कि राइटर ने किसको दिमाग में रख कर ये लिखा है, अभी तुम कर रहे हो तुम्हारा है, खत्म बात, सिंपल। अगर राइटर ने तुम्हें बोला हो कि ये स्क्रिप्ट मैंने फलाने फलाने को दिमाग में रख कर लिखी थी, अभी वो है नहीं तो मैं तुमको दे रहा हूं, तो तुमको उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट ओ एनीथिंग टू हिम, इट्स योर रोल नाउ, यू डू इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, दैट्स इट। स्टूडेंट्स सर, सो on one hand you spoke about Bohemia and on the other hand you spoke about Al Pacino, and both of them in their own right are great performers and actors. What are the kind of stories that you are interested in telling? Like, what interests you as a performer? Like, are there things that excite you? मैंने कहा ना कि I get excited by anything which A, I have not done before, and B, which is relevant to the time and space. So कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर एक सीरियस एक्टर का ठप्पा लग जाता है और आप कर रहे हो एक बहुत इंटेंस काम कर रहे हो, और फिर लगता है कि यार एक कॉमेडी नाटक कर लेते हैं अच्छा खासा, या एक कॉमेडी रोल कर लेते हैं, सो इट माइट हेल्प। सो आई थिंक हैविंग नो प्लान इज अ ग्रेट प्लान। अगर आप सोच के चलोगे नहीं मैं इसी तरह का करूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा मोनोटोनस बन जाओगे, आप बहुत ज़्यादा। एक्टिंग या इस फील्ड की का मजा ही ये है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पास क्या आने वाला है। जैसे पुलिस को नहीं पता होता ना कि मेरे पास कौन सा केस आने वाला है रात को, मैं जब जाऊंगा पुलिस स्टेशन तब क्या है वो, इसलिए पुलिस का जॉब एक्साइटिंग है बहुत, एक्टर का भी जॉब बहुत एक्साइटिंग है, बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में, दोनों को कभी भी बुला लिया जाता है।
देखो टिप्स ऐसा नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि आपको तीनों मीडियम का जो फर्क है ना वो समझ लेना चाहिए बेसिक। जैसे मैंने अभी वो थिएटर और फिल्म का बताया, आप थिएटर के एक्टर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कैमरा जो है, सी थिएटर और कैमरा आप, मैं कहूंगा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको क्या लगता है? थिएटर में आपको लोगों तक पहुंचना है और फिल्म में लोग जिस आंख से देखने वाले वो आंख आपके यहां तक आ सकती है, उतना ही फर्क है, प्रोजेक्शन का फर्क है दोनों में। जो कहते हैं ना कि योर लाइन शुड बी हर्ड इन द लास्ट रो टू द डेफ लेडी हु इज सिटिंग इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लास्ट रो, फिल्म में उसकी जरूरत नहीं है, फिल्म में उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर जी उत्तर संपो तुम। दूसरा ये, फिल्म और टेलीविजन में जैसे मैंने कहा द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज डिफरेंट, तो उसके साथ भी अगर आप समझ लो, जैसे कैमरा में आपको ये सी, हम जो भी काम करते हैं वो एक फ्रेम में करते हैं, बराबर है। थिएटर की जो फ्रेम होती है वो बहुत बड़ी होती है, जहां पे आपका जब तक आप मंच पे हो आप पूरे दिख रहे हो। कैमरा में ऐसा नहीं होता, कैमरा में कभी सिर्फ आपकी आंख दिख रही है, कैमरा में सिर्फ आप यहां तक दिख रहे हो। तो ये जितना जल्दी आप, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सबसे पहले दोस्ती अगर किसी से कर लो किसी भी फिल्म या सीरियल के सेट पे, तो वो कैमरामैन है, वो आपको सिखा देगा अगर अच्छा होगा तो। अपने आप को देख लो मॉनिटर पे कि मैं कैसे दिखता हूं। जैसे कई बार होता है ना कि यार लो एंगल से मैं थोड़ा सा, यहां से डबल चिन दिखती है मेरी, ठीक है उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, या मैं इस एंगल से मैं थोड़ा सा, कई कई एक्टर्स है जो कैमरा में दे आर नॉट स्क्विंट बट स्टिल एट वन पर्टिकुलर एंगल दे लुक स्क्विंट। तो अपने आप को जितना देखोगे, ये आपको थिएटर में नहीं, आजकल तो ठीक है, आजकल थिएटर में भी आप शूट कर लो और देख लो उसमें क्या है। सो मेरे ख्याल से वो करते करते आ जाएगा। हाँ बोलो। पूर्वीच्या काळी एक्टिंग स्कूल नव्हते, दिलीप कुमार, राज कपूर हे कुठल्या एक्टिंग स्कूलमध्ये एक्टिंग शिकायला गेले? एक्टिंग ही शिकायला पाहिजे, ही काय मेथड आहे एक्टिंग, ही सो नैसर्गिक आहे का शिकलं पाहिजे, एक्टिंग स्कूलमध्येच गेलं पाहिजे, एम एस डीलाच गेलं पाहिजे, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पहले ही 10वें मिनट में इस बात का जवाब दिया था कि जरूरत नहीं है कि आपको किसी स्कूल में जाना पड़े, और आपकी ये गलत फहमी है कि इन लोगों ने एक्टिंग नहीं सीखी थी, इन सब ने एक्टिंग सीखी थी। पुराने जमाने में जो नाटक मंडली हुआ करती थी वो क्या हुआ करता था, नाटक मंडली में रात को नाटक का जब शो होता था, लेकिन पूरे दिन में आपको थिएटर की ट्रेनिंग दी जाती थी, तालीम मास्टर हुआ करते थे तब, कि आपको खड़ा कैसे होना है, आपको चलना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है, आपको संस्कृत सिखाया जाता था। सो ट्रेनिंग हमेशा रही है। देखिए अगर आपको कल को एक बर्तन भी बनाना है ना, तो आपको बर्तन बनाने के लिए किसी को सिखाना होगा ना आपको कि बर्तन ऐसे बनाया जाता है, वैसे ही है। अब ये हो गया कि अब इसका एडवांस्ड रूप आ गया कि एक इंस्टीट्यूट खोल लिया लोगों ने, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जो इंस्टीट्यूट में जाता है वही सीखता है। और हां एक्टिंग सीखनी चाहिए, एक्टिंग सीखी जा सकती है, वो सिखाई नहीं जा सकती शायद, लेकिन सीखी जरूर जा सकती है। फिर आप वो चाहे फिल्म्स देखकर सीख लो, करके सीख लो, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख लो, पड़ोसी से सीख लो, वॉचमैन से सीख लो, किसी से भी सीख लो, वो सीखी जरूर जा सकती है, और वो हर उम्र के हर मोड़ पर सीखी जा सकती है।